हेलो स्टूडेंट्स, लर्न विद कॉन्सेप्ट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की क्लास 10th की मैथमेटिक्स की क्लास में हम करेंगे चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इंट्रोडक्शन। और इससे पहले की क्लासेस में हम चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 कंप्लीट कर चुके हैं। और अगर आपने वो क्लासेस अभी तक नहीं देखी हैं तो नीचे प्लेलिस्ट में उन क्लासेस के लिंक है, आप वहां से उन क्लास को देख सकते हैं। तो अब अपना चैप्टर 4 का क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इंट्रोडक्शन को हम 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला पार्ट कौन सा है कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आप इसे स्टैंडर्ड फॉर्म भी कह सकते हैं और जनरल इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी कह सकते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है कि फाइंड द रूट्स यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड इससे पहले भी हमने स्टडी किया है चैप्टर 2 पॉलीनोमियल में और उससे पहले की क्लासेस में भी स्टडी किया है, एक बार फिर उसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है। अब थर्ड है इसका क्वाड्रेटिक फार्मूला, कि क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है और उसमें क्या क्या कंडीशन होती है। और लास्ट पार्ट है नेचर ऑफ रूट्स। तो इन चार टॉपिक्स पर ही ये पूरा चैप्टर डिपेंड है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पूरा चैप्टर इन चारों पार्ट्स पर ही डिपेंड है। तो अपना पहला पार्ट करते हैं हम स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट पार्ट से। फर्स्ट पार्ट में क्या है कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, कि आप ये कैसे पता लगाएंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी होती है। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये हमें एक तरीका है ये पता लगाने का कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। आपने इससे पहले स्टडी किया होगा पॉलीनोमियल्स के चैप्टर में कि ax² + bx + c इस टाइप की वहां पर इक्वेशन होती थी, कि जहां पर उनकी हाईएस्ट पावर या डिग्री कहें तो उन वेरिएबल की होती थी 2। तो ये है पॉलीनोमियल। अगर हम इसके इक्वल में 0 कर देंगे तो ये क्या होगा, ये बन जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब पॉलीनोमियल में ये पावर 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये हाईएस्ट पावर 2 ही रहेगी, 2 से ना कम ना ज्यादा। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हुई क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, कि ax² + bx + c = 0। ये ax² होना जरूरी है, ये होने जरूरी भी नहीं है कि चाहे यहाँ यहाँ पर ax² मान लीजिए इक्वेशन हो 2x² + 1 तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, क्योंकि कांस्टेंट 0 भी हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये x² वाली वैल्यू नहीं होगी। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होंगी, जनरल x² + 5x + 6 = 0 भी होना जरूरी है। अगर इक्वल टू 0 नहीं होगा तो वो क्या होगा, पॉलीनोमियल होगा। तो आप इसे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी कह सकते हैं या जनरल इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो x यहां पर क्या है, x वेरिएबल है। और एक कंडीशन और है पॉलीनोमियल की तरह ही, कि a 0 के इक्वल नहीं होगा, कि a 0 के इक्वल नहीं होगा, क्योंकि अगर a 0 होगा तो फिर x² की कोई वैल्यू नहीं होगी और वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। और b और c क्या है, बी और सी रियल नंबर्स है, सी क्या है कांस्टेंट है, और बी क्या है जो एक्स के वेरिएबल के साथ की वैल्यू है। तो इसकी दो मेजर कंडीशन क्या है, कि ए 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए और एक्स की हाईएस्ट पावर, यानी एक्स हो वेरिएबल या वाई हो, उसकी हाईएस्ट पावर 2 होनी चाहिए, कि डिग्री उसकी हाईएस्ट 2 होनी चाहिए, तो वो क्या होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या आप कहें जनरल इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब नेक्स्ट पार्ट है कि फाइंड द रूट्स यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है, प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब है कि जिसके फैक्टर प्राइम नंबर होंगे, और यहाँ पर हम इसको कर सकते कैसे, कि स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, की जो मिडिल टर्म है उसको हम स्प्लिट कर देते हैं। अब एक एग्जांपल से इसको हम समझ लेते हैं, जैसे एक क्वेश्चन है x² + 9x + 14। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का मतलब है कि ये टर्म हमें स्प्लिट करनी है,
तो क्या आना चाहिए कि मल्टीप्लाई करके तो आना चाहिए 14, और इसको हम स्प्लिट कर सकते हैं 7x प्लस 2x इक्वल टू 14, कि मतलब दोनों को ऐड करके आना चाहिए 9, और मल्टीप्लाई करें तो कितना आना चाहिए 14। तो 7 प्लस 2 9 और 7 2 जा 14, तो इसके फैक्टर क्या आएंगे, यहां से हम x कॉमन लेंगे x प्लस 7, यहां से 2 कॉमन लेंगे तो x प्लस 7 इक्वल टू 0, इक्वल टू 0। तो x प्लस 7 और x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x प्लस 7 इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस 7, x प्लस 2 इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू माइनस 2। तो माइनस 2 और माइनस 7 x की वैल्यू होंगी कि जो इसके रूट्स हैं। तो ये क्या है कि फाइंड द रूट्स यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब ऐसा नहीं है कि इसमें इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे, इसमें और तरह के भी क्वेश्चन आ सकते हैं, कि जरूरी नहीं है यहाँ पर ऐड ही हो, तो यहाँ पर माइनस भी हो सकता है। तो आपको ये देखना है कि उसमें कंडीशन क्या है, कि प्लस माइनस करके ये टर्म आनी चाहिए और मल्टीप्लाई करके आना चाहिए, जो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आएगा। तो ये क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, कि इसमें हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं। अब इसका थर्ड पार्ट है कि थर्ड पार्ट है क्वाड्रेटिक फार्मूला। थर्ड पार्ट है क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है कि एक वैल्यू होती है डी। डी क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट। ये डी की क्या वैल्यू होती है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अब ए की क्या वैल्यू होगी, कि जो एक्स स्क्वायर के साथ का कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। मान लीजिए यहां पर 2x² है तो 2 वैल्यू हुई है, कि x² है तो 1 वैल्यू हुई। और बी की क्या वैल्यू होगी, कि जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स है, कि अगर यहां पर 2x² प्लस 5x हुआ तो बी की क्या वैल्यू हुई 5, और सी की क्या वैल्यू होगी जो उसमें कॉन्स्टेंट। तो पहले हमें यहां से बी की वैल्यू निकालनी है, और डी की जो वैल्यू आएगी, अगर डी की वैल्यू 0 के इक्वल आएगी, कि अगर डी आया 0 तो क्या क्या होगा कंडीशन, टू इक्वल रियल रूट्स पॉसिबल। कि क्या होंगे, दो इक्वल रियल रूट्स होंगे। इक्वल रूट्स का क्या मतलब है, कि एक्स की तो अब यहां से हमने डी की वैल्यू निकाल ली। डी की वैल्यू निकालने के बाद क्या है कि एक्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे, एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। रूट डी यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो डी की जो वैल्यू आएगी, और एक्स और बी और ए की जो वैल्यू है और डी की जो वैल्यू है, वो हम यहाँ पर फिर रख देंगे डी की वैल्यू निकालने के बाद। अब इसके बाद तीन कंडीशन होंगी, कि अगर डी 0 के इक्वल आता है, कि अगर ये डी 0 के इक्वल है तो टू इक्वल रियल रूट्स क्या होगा। इक्वल रियल रूट्स का मतलब है कि दोनों एक्स की वैल्यू क्या होंगे, सेम आएंगे। जैसे अगर एक्स की वैल्यू 2 है तो आंसर उसके आएंगे 2 2, और एक्स की वैल्यू 3 आई है तो 3 3, इस टाइप के होंगे। और डी अगर 0 से ज्यादा है, यानी डी इज ग्रेटर देन 0, तो टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स पॉसिबल। डिस्टिंक्ट रियल रूट्स का मतलब है डिफरेंट, कि एक्स की दोनों वैल्यू अलग अलग आएंगी, अलग अलग आएंगी, कि जैसे 1 और 2 या 3 और 5, इस टाइप की दोनों वैल्यू सेम नहीं आएंगे। और अगर डी कम है 0 से, कि डी इज लेस देन 0, तो क्या होगा, नो रियल रूट्स।
ये अगर d लेस देन है जीरो से तो कोई रूट पॉसिबल नहीं है। तो ये क्या था, ये है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। और लास्ट इसका पार्ट है नेचर ऑफ रूट्स। अब ये नेचर ऑफ रूट्स क्या है, नेचर ऑफ रूट्स डिपेंड करता है d की वैल्यू पर, जो हमने अभी थर्ड पार्ट में यानी क्वाड्रेटिक फार्मूला में डिस्कस किए हैं कि जैसे अगर d की वैल्यू जीरो के इक्वल आएगी तो क्या होगा, टू इक्वल रियल रूट्स। कि अगर d की वैल्यू जीरो है तो दोनों वैल्यू की दोनों जो रूट्स आएंगे उनकी वैल्यू इक्वल आएगी, और d इज ग्रेटर देन जीरो तो क्या होगा, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। डिस्टिंक्ट का क्या मतलब है कि डिफरेंट, अलग अलग दोनों वैल्यू डिफरेंट आएंगे, और d इज लेस देन जीरो तो नो रियल रूट्स। अगर d की वैल्यू जीरो से कम है तो कोई रियल रूट्स नहीं होंगे, और d इज लेस देन b इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो तो क्या होगा, रियल रूट्स। ये d की वैल्यू जीरो से कम भी है, नहीं d की वैल्यू जीरो से ज्यादा भी और जीरो के इक्वल भी है तो क्या होगा, रियल रूट्स। तो यही चार पार्ट हैं, यही वो चार पार्ट हैं जिन पर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पूरा चैप्टर डिपेंड है। तो हमने यहाँ तो इस क्लास में हमने डिस्कस किया है कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, सेकंड कि फाइंड द रूट्स यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, कि रूट निकालना सीखा था हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, थर्ड क्वाड्रेटिक फार्मूला, और लास्ट नेचर ऑफ रूट्स। तो इनके बेस पर ही ये इस चैप्टर की पूरी एक्सरसाइज है। तो उम्मीद है कि ये क्लास आपके समझ आई होगी। आज की क्लास 10th की मैथमेटिक्स की क्लास में हम करेंगे एक्सरसाइज 4.1 के एग्जांपल। से पहले की क्लास में हम कर चुके हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इंट्रोडक्शन। अब उस क्लास में मैंने आपको बताया था कि ये जो इसमें चार पॉइंट्स हैं इन पर ही ये पूरा चैप्टर बेस है। तो ये एक्सरसाइज 4.1 और उसके एग्जांपल बेस हैं उसके फर्स्ट पार्ट पर कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। और अगर आपने वो क्लास अभी तक नहीं देखी है तो आप उस क्लास को भी देख सकते हैं। तो चलिए अपनी आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो ये है एग्जांपल नंबर 1, एक्सरसाइज 4.1 का एग्जांपल नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। इसमें क्या है कि हमें रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन मैथमेटिकली, कि ये जो सिचुएशन हमें दी हुई है ये हमें मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करनी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अकॉर्डिंग। यानी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ax2 + bx + c = 0, इसके अकॉर्डिंग ये जो सिचुएशन हमें दी हुई है ये रिप्रेजेंट करनी है। तो इस क्वेश्चन में क्या है कि जॉन एंड जेवंती टुगेदर है 45 मार्बल्स, कि जॉन और जेवंती दोनों के पास 45 मार्बल्स हैं। बोथ ऑफ देम लॉस्ट 45 मार्बल्स ईच, कि दोनों ने 5-5 मार्बल खो दिए। एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव इज 124, कि अब जो इनके पास मार्बल्स बचे हैं दोनों के पास उसका प्रोडक्ट कितना है, 124। तो हम मान लेते हैं कि लेट नंबर ऑफ मार्बल्स जॉन है, जॉन के हमने मान लिए x, अब दोनों के पास 45 है तो जेवंती के पास कितने होंगे, 45 माइनस x, देन नंबर ऑफ मार्बल्स जेवंती है कितने होंगे, 45 माइनस x। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स, अब दोनों ने 5-5 मार्बल्स खो दिए, तो जॉन के पास पहले कितने थे x, तो अब कितने रह जाएंगे, नंबर ऑफ मार्बल्स जॉन है, जॉन नाउ है कितने होंगे, x माइनस 5, और जेवंती के पास नंबर ऑफ मार्बल्स जेवंती नाउ है कितने होंगे, 45 माइनस x तो पहले थे और उसमें से 5 और कम हो गए, तो कितना बचा, 45 माइनस
14 माइनस एक्स। अब दोनों का प्रोडक्ट कितना है कि x माइनस 5 और 14 माइनस एक्स कितना है 124। तो सिंपल अगर हमें ये ब्रैकेट ओपन करना है तो 40 x 40x और 40 × 5 इनटू माइनस के 200 और माइनस का x स्क्वायर प्लस के x माइनस का x प्लस के x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा माइनस का x स्क्वायर और माइनस का x इनटू माइनस का 5 यानी कि प्लस का 5x इक्वल टू 124। तो ये आया 40x प्लस 5x यानी कि 45x माइनस 200 और माइनस के x स्क्वायर इक्वल टू 124 को इस साइड लेंगे तो 45x माइनस 200 माइनस 124 इक्वल टू x स्क्वायर इक्वल टू 0 यानी 45x माइनस 324 माइनस के x स्क्वायर। अब इसमें से इक्वल टू 0 अब हम लेंगे माइनस कॉमन तो ये आएगा माइनस के 45x प्लस का 324 और प्लस का x स्क्वायर इक्वल टू 0 यानी कि x स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इक्वल टू 0। ये क्या है स्टैंडर्ड इसकी जो प्रेजेंटेशन है मैथमेटिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। अब देखते हैं एग्जांपल नंबर 1 का सेकंड पार्ट। तो अब करते हैं एग्जांपल नंबर 1 का पार्ट 2। तो इसमें क्या है कि एक कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस ए सर्टेन नंबर ऑफ टॉय इन ए डे। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ईच टॉय वाज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन ए डे। ऑन ए पर्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज ₹750। तो हमें इस इक्वेशन को मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना है कि क्या है कि कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस करती है सर्टेन नंबर ऑफ टॉय। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ईच टॉय कि जो ईच टॉय की कॉस्ट है वो किसी दिन किसी एक सर्टेन डे पर पाई जाती है कि 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस इन ए डे। तो हम मान लेते हैं कि लेट द नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस कितना होगा बी मान लिया हमने एक्स की एक्स नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस होते हैं। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ईच टॉय देन द कॉस्ट ऑफ कितना है कितना दिया हुआ है 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन ए डे और नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस कितने माने हमने x। तो 55 माइनस x तो कॉस्ट कितना हुआ 55 माइनस x। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा कि द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना होगा। टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दिया हुआ है ₹750 और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट यानी प्रोडक्शन क्या होता है कि नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन ए डे इनटू द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ईच टॉय यानी x into 55 माइनस x इक्वल टू 750। इसको करेंगे मल्टीप्लाई तो 55x माइनस x स्क्वायर इक्वल टू 750 को इस तरफ ले आएंगे तो 55x माइनस x स्क्वायर माइनस 750 इक्वल टू 0। अब इसमें से लेंगे हम माइनस कॉमन तो क्या होगा कि माइनस 55x प्लस x स्क्वायर प्लस 750 इक्वल टू 0 यानी कि x स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इक्वल टू 0। ये है स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें अभी इसको सॉल्व नहीं करना है सिर्फ रिप्रेजेंट करना है। तो ये था फर्स्ट एग्जांपल का सेकंड पार्ट। अब देखते हैं ये है अब है सेकंड एग्जांपल और सेकंड एग्जांपल में हमें क्या करना है कि चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कि हमें ये चेक करना है कि ये सारी इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है
इसमें हमें बेसिकली ये चेक करना है कि ये इक्वेशन जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसको मैच करती है या नहीं। अगर मैच करती है तो ये क्वाड्रेटिक है, अगर मैच करती है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और नहीं मैच करती है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो इसका फर्स्ट पार्ट है कि x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 2x माइनस 3। अब इसको हम ऐसे करेंगे कि एक बार लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, फिर राइट हैंड साइड को, फिर दोनों को मैच करेंगे। तो x माइनस एक बार देख लेते हैं हम लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है कि x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1। x माइनस 2 के होल स्क्वायर का फार्मूला होगा कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, x का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2ab, यानी कि माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 2 प्लस 1। तो ये हुआ x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस 1, यानी x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5। तो ये तो हुई लेफ्ट हैंड साइड। अब देखते हैं राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में क्या है कि इसमें तो सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट सॉल्व दिया हुआ 2x माइनस 3। अब करते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 इक्वल टू 2x माइनस 3। अब ये 2x माइनस 3 हम लेफ्ट हैंड साइड की तरफ ले आएंगे, तो x स्क्वायर माइनस 4x, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 माइनस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो x स्क्वायर का तो x स्क्वायर रह गया, माइनस 4x और माइनस के 2x, यानी कि माइनस माइनस प्लस 6x, और 5 प्लस 3 8 इक्वल टू 0। तो ये क्या हुई ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो ये स्टैंडर्ड एक क्या है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यस इट्स इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट है इसका x x प्लस 1 प्लस 8 इक्वल टू x प्लस 2 x माइनस 2। तो सेम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, पहले लेफ्ट हैंड साइड में क्या है कि x x प्लस 1 प्लस 8। अब सिंपल ब्रैकेट ओपन करेंगे तो x स्क्वायर प्लस x x स्क्वायर x इनटू 1 x प्लस 8। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, x स्क्वायर प्लस x प्लस 8। सेकंड अब देखते हैं राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में क्या है कि x प्लस 2 और x माइनस 2। अब मल्टीप्लाई करने की जगह आप देख सकते हैं कि ये a प्लस b और a माइनस b का फार्मूला, और a प्लस b इंटू a माइनस b क्या होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो ये क्या होगा कि x स्क्वायर माइनस 4, मल्टीप्लाई भी अगर आप करेंगे तो ये ही आएगा। देख सकते हैं आप x स्क्वायर का x स्क्वायर प्लस का 2x माइनस 2x माइनस 4, प्लस का 2x और माइनस का 2x कर जाएंगे तो क्या आएगा, x स्क्वायर माइनस 4। अब करेंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी कि x स्क्वायर x प्लस 8 इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 4। x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया तो x प्लस 8 इक्वल टू 4, यानी कि x प्लस 8 माइनस 4 इक्वल टू 0, x प्लस 4 इक्वल टू 0, जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से मैच नहीं करती। तो नो इट्स नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है क्योंकि ax स्क्वायर प्लस b, इसमें भी ax स्क्वायर का होना जरूरी है, क्योंकि और a जीरो नहीं होना चाहिए, b और c जीरो हो सकते हैं।
तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से मैच नहीं खाती, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। अब देखते हैं इसका s 2x plus 3 equal to x square plus 1। सेम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड लेकर करेंगे, तो पहले लेफ्ट हैंड साइड x 2x plus 3 यानी 2x square plus 3x और राइट हैंड साइड x square plus 1 और लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड यानी 2x square 3x plus 3x equal to x square plus 1। ये इस साइड ले आएंगे तो 2x square minus x square plus 3x minus 1 equal to 0 यानी कि x square plus 3x minus 1 equal to 0। ये क्या है कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से मैच खाती है, तो ये क्या है, यस इट्स ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखते हैं एग्जांपल नंबर 2 का लास्ट पार्ट और हमारी इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन, इसका फोर्थ पार्ट। x plus 2 का होल क्यूब इक्वल टू x क्यूब माइनस 4। तो लेफ्ट हैंड साइड लेंगे पहले x plus 2 का होल क्यूब का फार्मूला क्या होता है कि a ये होगा a क्यूब यानी x का क्यूब प्लस 2 का क्यूब 8। अब 3 a स्क्वायर भी, a क्या है 2 यानी 3 a स्क्वायर इनटू b प्लस 3 ab स्क्वायर यानी 3x इनटू 2 का, तो क्या है कि x क्यूब यानी a प्लस b के होल क्यूब का फार्मूला होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। तो a क्या है x और b क्या है 2, तो a क्यूब x क्यूब b क्यूब यानी 2 का क्यूब 8 प्लस 3a स्क्वायर b यानी a क्या है x, तो 3 इनटू x स्क्वायर और b क्या है 2 प्लस 3x यानी a 3a यानी 3 इनटू x और b का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर। तो ये होगा x क्यूब प्लस 8, 2 3 जा 6 x स्क्वायर प्लस 2 टू जा 4 और 4 3 जा 12 x यानी x क्यूब प्लस 6 x स्क्वायर प्लस 12 x प्लस 8। ये है लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या है, सिंपल x क्यूब माइनस 4। तो अब हम करेंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड यानी x क्यूब 6x square plus 12x plus 8, ये है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या है x cube minus 4। x cube से x cube कट गया, 6x square plus 12x plus 8 equal to minus 4 और ये minus का 4 इस साइड आएंगे तो 6x square plus 12x plus 12 ये equal to 0, 8 और plus 4 4, 8 और 4 8 प्लस 4 12। तो यहां से सिंपल 2 कॉमन ले लेंगे तो ये रह जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो ये क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से मैच खाती है, तो ये क्या है, यस इट्स ए या इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की सबसे पहली कंडीशन है कि हाईएस्ट डिग्री ऑफ वेरिएबल, कि अगर वेरिएबल एक्स में है या वाई में है तो 2 होनी चाहिए, कि एक्स स्क्वायर से ज्यादा नहीं होना चाहिए और एक्स स्क्वायर होना भी जरूरी है। यहां पर ये एसएल 4.1 के एग्जांपल्स की क्लास फिनिश हो जाती है। तो इसमें हमें क्या करना था कि या तो क्वाड्रेटिक जो सिचुएशन दी हुई है उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना था और हमें ये कैलकुलेट करना था कि ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। हेलो स्टूडेंट्स,
लर्न विद कॉन्सेप्ट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की क्लास 10th की मैथमेटिक्स की क्लास में हम करेंगे एक्सरसाइज 4.1 जो कि बेस है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, जो हमने इंट्रोडक्शन वाली क्लास करी थी उसमें जो फर्स्ट पॉइंट था कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? ax² + bx + c = 0। एक्सरसाइज 4.1 की जो एग्जांपल्स की क्लास थी वो भी इस पर ही बेस थी और ये एक्सरसाइज 4.1 भी इस पर ही बेस है। और इससे पहले की दो क्लासेस इस चैप्टर की क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इंट्रोडक्शन वाली और एक्सरसाइज 4.1 के एग्जांपल्स वाली, और आपने वो दोनों क्लासेस अभी तक नहीं देखी हैं तो आप उन क्लासेस को भी देख लें। और इसके अलावा चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 की भी क्लासेस हैं जो हम कंप्लीट कर चुके हैं। उन सब क्लासेस के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, आप वहां से उन क्लासेस को भी देख सकते हैं। तो अपनी आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो ये है एक्सरसाइज 4.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें हमें क्या करना है कि चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सेम एग्जांपल्स वाली जो क्लास थी उसमें जैसा सेकंड एग्जांपल था उस वो सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ क्वेश्चन चेंज हुए हैं, बाकी तरीका वही है कि हमें इसमें ये बताना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की क्या होती है? ax² + bx + c = 0। तो हमें ये जो इक्वेशन दी हुई है अगर ये इससे मैच खाती है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और मैच नहीं खाती है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। अब देखते हैं इसका फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट में क्या है कि x + 1² = 2x - 3। अब हमें ये करने किसके अकॉर्डिंग है कि एक बार हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे और फिर राइट हैंड साइड को, और फिर दोनों को इक्वल कर देंगे और वहां से वो इक्वेशन अगर बनती है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, नहीं तो नहीं है। लेफ्ट हैंड साइड लेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है x + 1² a + b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a² + b² + 2ab, यानी a² + b² + 2ab, यानी x² + 1 + 2x, यानी x² + 2x + 1। अब राइट हैंड साइड 2 × x - 3, यानी 2x - 6। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी x² + 2x + 1 = 2x - 6। 2x से 2x कैंसिल, तो x² + 1 = -6, यानी x² + 7 = 0। तो ये क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? यस, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि x² यानी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 होनी चाहिए। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि x² + 0x + 7 = 0, यानी ax² + bx + c = 0। तो ये क्या है? यस, इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। x² - 2x = -2, 3 - x। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? x² - 2x। तो सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं, ऑलरेडी सॉल्व कर। और राइट हैंड साइड -2 × 3 - x। तो इसको ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो 3 × -2 यानी -6 और -± + यानी 2x। तो राइट हैंड साइड किसके इक्वल है? 2x - 6। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी x² - 2x = 2x - 6। 2x को इस साइड ले आएंगे 2x - 6 को, तो x² - 2x - 2x + 6x = 0, यानी x² - 4x + 6 = 0। तो ये क्या है? ax² + bx + c = 0 से मैच खाती है, तो यस, इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। थर्ड पार्ट, x - 2x + 1 = x - 1 और x + 3। तो
लेफ्ट हैंड साइड करेंगे पहले x माइनस टू और x प्लस वन, ब्रैकेट ओपन करेंगे सीधा x स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस का x और माइनस का टू, यानी x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू, यही लेफ्ट हैंड साइड। और राइट हैंड साइड x माइनस वन और x प्लस थ्री, x स्क्वायर माइनस x प्लस थ्री एक्स और माइनस के थ्री, ये यानी आया x स्क्वायर प्लस के टू एक्स माइनस थ्री। अब करेंगे सिंपल, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी x स्क्वायर माइनस x माइनस टू इक्वल टू x स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस थ्री, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, तो माइनस के एक्स माइनस के टू इस साइड ले आएंगे, माइनस के टू एक्स प्लस के थ्री इक्वल टू जीरो, यानी माइनस के थ्री एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो, जो कि मैच नहीं खाती स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, तो ये नो, इट इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखते हैं इसका फोर्थ पार्ट, x माइनस थ्री टू एक्स प्लस वन एक्स इंटू एक्स प्लस वन, लेफ्ट हैंड साइड x माइनस थ्री और टू एक्स प्लस वन, तो टू एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस एक्स माइनस के थ्री, यानी 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3, ये हुई लेफ्ट हैंड साइड। और राइट हैंड साइड x इंटू एक्स प्लस 5, यानी x स्क्वायर प्लस 5x, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 5x, 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर और माइनस फाइव एक्स, ये एक साइड लाएंगे तो माइनस के फाइव एक्स माइनस थ्री इक्वल टू जीरो, यानी एक्स स्क्वायर माइनस टेन एक्स माइनस थ्री इक्वल टू जीरो, तो ये क्या है, मैच करती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म से, तो यस इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखते हैं इसके, अब है तो अब करते हैं, तो अब करते हैं एक्सरसाइज 4.1 के फर्स्ट क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट। इसमें क्या है कि फिफ्थ पार्ट में क्या है, टू एक्स माइनस वन एक्स माइनस थ्री इक्वल टू एक्स प्लस फाइव और एक्स माइनस इंटू एक्स माइनस वन, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, टू एक्स माइनस वन और x माइनस थ्री, तो ब्रैकेट ओपन करेंगे 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 6x और माइनस माइनस प्लस यानी थ्री, तो 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस थ्री, ये आई लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड x प्लस 5 और x माइनस 1, x स्क्वायर प्लस 5x माइनस x माइनस 5, यानी x स्क्वायर प्लस 5x माइनस x 4x माइनस 5, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5, इस साइड ले आएंगे 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 माइनस x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 इक्वल टू 0, 2x स्क्वायर में से गए x स्क्वायर यानी x स्क्वायर और माइनस के 7 और प्लस माइनस के 4 यानी माइनस 11x और 3 प्लस 5 8, तो ये क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से मैच खाती है, तो ये है
Yes, it is a quadratic equation. X square plus 3x plus 1 equal to x minus 2 का whole square. तो left hand side तो already solved. ये x square plus 3x plus 1 और right hand side हम करेंगे x minus 2 का whole square. यानी a square x square plus 4 यानी b का square minus 2ab. यानी 2x into 2. तो x square plus 4 minus 4x. यानी x square minus 4x और plus का 4. और left hand side equal to right hand side. तो x square plus 3x plus 1 equal to x square minus 4x plus 4. x square से x square cut. x square तो left hand side क्या है? x square plus 3x plus 1. जो कि ऑलरेडी पहले ही सॉल्व की हुई थी. और राइट हैंड साइड को सॉल्व करके क्या आया? x square minus 4x plus 4. तो अब हम करेंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड. तो x square से x square कट जाएगा. तो अब क्या रहेगा? 3x plus 1 लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में 4x minus 4x plus 4. तो अब ये राइट हैंड साइड हम इस साइड ले आएंगे. तो 3x plus 1 कि माइनस का 4x से यहां आकर हो जाएगा प्लस का 4x और प्लस का 4x यहां आकर हो जाएगा माइनस का 4. तो 3x प्लस 4x कितना हुआ? 7x और 1 माइनस 4 यानी माइनस 3. तो सॉल्व करके क्या है? 7x माइनस 3. और स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0. तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है. नो, इट इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन. 7 पर x प्लस 2 पर होल क्यूब इक्वल टू 2x x स्क्वायर माइनस 1. तो लेफ्ट हैंड साइड x प्लस 2 का होल क्यूब और a प्लस b का होल क्यूब का फार्मूला होता है a क्यूब प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर. यानी a क्यूब प्लस b क्यूब यानी 2 का क्यूब प्लस 3a यानी 3 इनटू x a b स्क्वायर और b का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर बी यानी 3x का स्क्वायर और b कितना है? x क्यूब प्लस 2 का क्यूब 8 और 2 2 जा 4 4 3 जा 12 यानी 12x प्लस 6x स्क्वायर. दी x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 8 इक्वल टू 0 इक्वल. तो ये है लेफ्ट हैंड साइड. अब करते हैं राइट हैंड साइड में क्या है. राइट हैंड साइड 2x x स्क्वायर माइनस 1. अब इसको ओपन करेंगे ब्रैकेट को तो 2x क्यूब माइनस 2x. अब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड यानी x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 8 इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 2x. इस साइड लेंगे तो x क्यूब माइनस 2x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 2x प्लस 8 इक्वल टू 0. ये माइनस के 2x इस साइड प्लस के 2x. तो ये हुआ माइनस x क्यूब माइनस x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 8 इक्वल टू 0 जो कि मैच नहीं खाती स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से. तो नो, इट इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अब फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट 8th पार्ट. x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 माइनस 2 का होल क्यूब. तो अब करेंगे हम लेफ्ट हैंड साइड पहले. तो लेफ्ट हैंड साइड पर x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 ऑलरेडी सॉल्व.
राइट हैंड साइड में क्या है x माइनस टू का, x माइनस टू का होल क्यूब। अब होल क्यूब का फॉर्मूला है कि a माइनस बी के होल क्यूब का a क्यूब प्लस बी क्यूब। थ्री ए स्क्वायर बी, थ्री ए मिल जाएगा माइनस माइनस ए माइनस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला आएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ए माइनस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस थ्री ए बी ब्रैकेट ए माइनस बी, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर। तो यहां से एक्स क्यूब माइनस टू का क्यूब माइनस थ्री ए स्क्वायर बी। अब ए क्या है इसमें एक्स, यानी थ्री ए स्क्वायर, और बी कितना है माइनस बी कितना है टू प्लस थ्री, ए कितना है एक्स और बी स्क्वायर कितना है टू का स्क्वायर। तो एक्स क्यूब माइनस एट और थ्री इंटू टू माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर, और ये आ गया टू टू जा फोर, फोर थ्री जा ट्वेल्व एक्स, यानी एक्स क्यूब माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस ट्वेल्व एक्स माइनस एट इक्वल टू, ये आया लेफ्ट हैंड साइड। और राइट हैंड साइड कितना है एक्स क्यूब, ये आई राइट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड क्या है एक्स क्यूब माइनस फोर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। अब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो एक्स क्यूब माइनस फोर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस ट्वेल्व एक्स माइनस एट। एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल, और माइनस फोर एक्स स्क्वायर फोर एक्स स्क्वायर, और माइनस का और माइनस का सिक्स एक्स स्क्वायर इस साइड लेंगे तो प्लस का एक्स स्क्वायर, और माइनस एक्स और ये प्लस का ट्वेल्व एक्स इस साइड माइनस का ट्वेल्व एक्स प्लस वन, और माइनस का एट इस साइड लेंगे तो प्लस का एट इक्वल टू जीरो। सिक्स एक्स स्क्वायर में से फोर एक्स स्क्वायर गए तो माइनस यानी टू एक्स स्क्वायर माइनस थर्टीन एक्स प्लस नाइन इक्वल टू जीरो। तो ये क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से मैच खाती है। तो ये है यस एट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये था एक्सरसाइज 4.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें हमें बताना था कि ये जो इक्वेशन दी हुई है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। और अब करते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन, एक्सरसाइज 4.1 का सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या करना है कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन मैथमेटिकली, कि जो सिचुएशन हमें दी हुई है उसे हमें मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना है। मैथमेटिकली रिप्रेजेंट हम मैथमेटिकली हमें रिप्रेजेंट करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अकॉर्डिंग। कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू जीरो। तो इस स्टैंडर्ड इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमें इस सिचुएशन को रिप्रेजेंट करना है। तो इसमें क्या दिया हुआ है, ये तो इसके फर्स्ट पार्ट में क्या दिया हुआ है, द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, रेक्टेंगुलर प्लॉट का मतलब है कि आमने सामने की साइड सेम है, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज वन मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, कि जो लेंथ है प्लॉट की वो उसकी जो लेंथ है प्लॉट की वो उसके ब्रेथ के डबल से एक ज्यादा है। इसका बेसिकली मीनिंग हुआ कि अगर ब्रेथ अगर वन है तो लेंथ होगी टू, यानी वन का डबल टू
और प्लस वन थ्री। तो हम सबसे पहले क्या मान लेते हैं कि लेट ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट बी एक्स मीटर, ये हमने लेंथ क्या मान ली एक्स मीटर, देन ब्रेथ क्या होगी, ब्रेथ हमने मान ली रेक्टेंगुलर प्लॉट की एक्स मीटर, देन लेंथ क्या होगी, देन लेंथ भी एक्स का डबल 2x और उससे 1 ज्यादा यानी 2x प्लस 1 मीटर, कि ब्रेथ है x मीटर तो लेंथ होगी 2x प्लस 1। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एरिया क्या होगा, एरिया लेंथ इनटू ब्रेथ, कि रेक्टेंगल रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ कितनी दी हुई है, एरिया कितना दिया हुआ 528, लेंथ कितनी है 2x प्लस 1 और ब्रेथ x, यानी 528, एरिया कितना है 528 और लेंथ कितनी है 2x प्लस 1 और ब्रेथ क्या है x। तो हम क्या है कि ये जो 2x प्लस 1 है और 2x प्लस 1 इंटू x इसको ओपन करेंगे, तो x को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2x स्क्वायर और प्लस प्लस 1 को x से करेंगे तो आएगा x, यानी ये इक्वेशन आई 2x स्क्वायर प्लस x इक्वल टू 528, और 528 को इस तरफ ले आएंगे 2x स्क्वायर प्लस x, तो 528 यहाँ प्लस का है तो यहाँ आकर हो जाएगा माइनस का, कि माइनस के 528 इक्वल टू जीरो। तो ये है हमारी रिक्वायर्ड मैथमेटिकल इक्वेशन क्वाड्रेटिक फॉर्म में, किसके अकॉर्डिंग, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अकॉर्डिंग। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। अब सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इन 306, कि दो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स का प्रोडक्ट कितना 306। कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर का मतलब है एक अगर वन है तो उसका कंसेक्यूटिव इससे आगे वाला कितना होगा, पॉजिटिव इंटीजर 2, तो यानी एक इंटीजर अगर वन है तो नेक्स्ट होगा, तो सेकंड होगा उसका नेक्स्ट यानी 2। तो अब हम मान लेते हैं लेट वन पॉजिटिव इंटीजर बी एक्स, देन नेक्स्ट कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर बी, देन नेक्स्ट पॉजिटिव इंटीजर बी एक अगर एक्स है तो नेक्स्ट वाला होगा एक्स प्लस 1। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इनका प्रोडक्ट कितना है, एक्स इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 306, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू 306, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स 306 इक्वल टू 0। ये हुआ इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अकॉर्डिंग। अब आप चाहें तो इसको सॉल्व भी कर सकते हैं इनके फैक्टर बना के, फैक्टराइजेशन मेथड से। अब है, अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। क्वेश्चन का थर्ड पार्ट इसमें क्या है कि रोहन्स मदर एज इज, रोहन्स मदर इज 26 इयर्स ओल्डर देन हिम, कि रोहन की जो माँ है वो उनसे 26 साल बड़ी है, 26 इयर्स ओल्डर हैं। इसका कहने का मतलब है कि जब रोहन पैदा हुआ था तो उसकी मदर की एज थी 26 इयर्स, एंड द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इज 3 इयर्स फ्रॉम नाउ, कि आज से 3 साल बाद उन दोनों की एज का प्रोडक्ट होगा 360। तो हम मान लेते हैं कि लेट रोहन्स एज बी एक्स इयर्स, रोहन की एज कितनी हुई एक्स इयर्स, देन रोहन्स मदर एज भी एक्स
अगर रोहन की ये जब एक्स है और उसकी मदर उससे 26 साल ज्यादा है, यानी 26 साल बड़ी है, 26 years older है, तो उसकी एज एक्स है, तो रोहन की मदर की एज होगी एक्स प्लस 26 years। रोहन अगर एक साल का है तो उसकी मदर होंगी 1 + 26 यानी 27। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3 years फ्रॉम नाउ, तो 3 साल बाद रोहन एज आफ्टर 3 years रोहन की एज कितनी होगी 3 साल बाद, आज है एक्स ईयर तो 3 साल बाद होगी एक्स प्लस 3 years। देन रोहन मदर एज भी अब है x प्लस 26 और 3 साल बाद कितनी होगी x प्लस 26 प्लस 3 यानी x प्लस 29 years। अब दोनों का प्रोडक्ट कितना है x प्लस 3 और x प्लस 29 दोनों के एज का प्रोडक्ट है 360, तो x स्क्वायर प्लस 3x और 29x प्लस 87 इक्वल टू 360। x स्क्वायर 32x प्लस 87 इक्वल टू 360। x स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273 इक्वल टू 0। 360 में से 87 माइनस करेंगे तो आएगा 273। तो ये हमारा इसका रिप्रेजेंटेशन है। अब रोहन की एज, रोहन और उसकी मदर की एज फाइंड करने के लिए आप इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हमें सिर्फ रिप्रेजेंट करनी है ये सिचुएशन मैथमेटिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अकॉर्डिंग। अब देखते हैं एक्सेल 4.1 का लास्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट, 2.1 का लास्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट। इसमें क्या है कि ए ट्रेन ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब है स्पीड सेम रही है, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ। तो एक ट्रेन ट्रेवल करती है 480 किलोमीटर का डिस्टेंस एक यूनिफॉर्म स्पीड में। इफ द स्पीड हैज बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, अगर हम ट्रेन की स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर लेस कर देते हैं, देन इट वुड हैव टेकन 3 hours more to cover the distance। कि अगर हम उसकी स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर से लेस कर देते हैं तो उसको सेम डिस्टेंस को कवर करने में 3 घंटे ज्यादा लगेंगे। तो सबसे पहले हम क्या मान लेंगे कि लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन बी 8 किलोमीटर पर आवर। स्पीड हमने क्या मान ली 8 किलोमीटर पर आवर। टोटल डिस्टेंस कितना है, किलोमीटर, और टाइम हमें मालूम नहीं है टाइम भी। तो स्पीड का क्या फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड कितनी है एक्स, डिस्टेंस कितना 480 और हमने टाइम मान लिया कि लेट टाइम टेकन बी, लेट टोटल टाइम, लेट टाइम बी टी आवर्स मान लिया हमने, क्या मान लिया टी आवर्स की टी घंटे। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड क्या है एक्स, डिस्टेंस 480 और टाइम कितना है टी। तो यहां से टी की क्या वैल्यू आई 480 अपॉन एक्स, ये मान लिया हमने इक्वेशन नंबर 1। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर उसकी स्पीड लेस हो जाती है 8 किलोमीटर पर आवर से, तो देन स्पीड भी कितना होगा, देन स्पीड भी अभी है x और 8 किलोमीटर पर आवर से लेस हो गई, तो स्पीड रह गई 8x - 8
किलोमीटर पर आवर। और डिस्टेंस तो सेम ही है, टाइम टेकन कितना रह गया, टाइम टेकन पहले था टी और 3 घंटे ज्यादा लग रहे हैं, तो इसका मतलब है टी प्लस 3 आवर्स। अब स्पीड का फॉर्मूला क्या है, स्पीड कितनी है एक्स माइनस एट, डिस्टेंस 480 ही है और टाइम टेकन कितना है टी प्लस 3। यानी सिंपल क्या है कि x माइनस 8 अक्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, इसमें t प्लस 3 की इक्वल टू 480, t की जगह क्या रख देंगे इक्वेशन नंबर 1 से 480 अपॉन x, यानी x माइनस 8 480 अपॉन x प्लस 3 480। इसका एलसीएम x 480 प्लस 3x, यानी x माइनस 8 480 x 480 प्लस 3x और ये x इनटू 480, ये x उस साइड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दी, तो इसको सॉल्व करेंगे x माइनस 8 480 प्लस 3x और यह है 480x, इसको करेंगे 480x माइनस 8 इनटू 480 प्लस 3x और इक्वल टू 480x। 480x से 480x कट गया तो इधर रह गया ये 480x माइनस 480, 8 इंटू 480 और 3x इंटू x ये आएगा 3x स्क्वायर और माइनस 24x, 3 इंटू 8 24, तो अब रह गया 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 8 इंटू 480 इक्वल टू 0। अब इसमें से लेंगे हम 3 कॉमन, 3 कॉमन लिया तो अंदर रहेगा x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 8 इंटू 160 इक्वल टू 0, 3 से 480 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 160। तो सिंपल आया x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इक्वल टू 0। तो ये है इसकी स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में, x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इक्वल टू 0। अब आप चाहें तो ट्रेन की स्पीड निकालने के लिए इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, जो हम स्टडी करेंगे एक्सरसाइज 4.2। आज की क्लास 10th की मैथमेटिक्स की क्लास में हम करेंगे एक्सरसाइज 4.2 के एग्जांपल्स। इससे पहले के क्लासेस में हम एक्सरसाइज 4.1 तक कंप्लीट कर चुके हैं, और अगर आपने वो क्लासेस अभी तक नहीं देखी हैं तो पहले आप उन क्लासेस को नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से देख सकते हैं। तो अपनी आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। थ्री, तो क्वेश्चन क्या कहता है कि फाइंड द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो ये हमें सॉल्व करना है फैक्टराइजेशन मेथड से। तो इक्वेशन क्या दी हुई है, 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है कि a की क्या वैल्यू है 2, b की वैल्यू है माइनस 5 और c की वैल्यू है 3, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम करेंगे a इंटू c, a इंटू c यानी 2 इंटू 3 इक्वल टू 6, कि हमें ऐसे दो नंबर चाहिए कि जिनको मल्टीप्लाई करके तो आए 6 और एड या सब्ट्रैक्ट करके आना चाहिए माइनस 5।
तो एच दो नंबर हैं, माइनस टू और माइनस थ्री। अगर माइनस टू और माइनस थ्री को हम माइनस टू माइनस थ्री करेंगे ऐड तो आएगा माइनस फाइव, और माइनस टू इंटू माइनस थ्री करेंगे तो आएगा सिक्स। तो इसके यदि हमने क्या किया, सिंपल मिडिल टर्म में जो ये माइनस फाइव एक्स इसको हमने स्प्लिट कर दिया, तो टू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस थ्री एक्स प्लस थ्री इक्वल टू जीरो। तो इन दोनों में से क्या कॉमन आया, टू एक्स, तो अंदर क्या बचा x माइनस वन, और इन दोनों में से क्या कॉमन आया माइनस थ्री, तो अंदर क्या बचा x माइनस वन इक्वल टू जीरो। तो दो फैक्टर कौन सा है, टू एक्स माइनस थ्री और x माइनस वन इक्वल टू जीरो। तो टू एक्स माइनस थ्री इक्वल टू जीरो और x माइनस वन इक्वल टू जीरो। तो यहां से आया टू एक्स इक्वल टू थ्री, यानी x की वैल्यू आई थ्री बाई टू, और यहां से x की वैल्यू आई वन। अब ये x की वैल्यू थ्री बाई टू और वन, इसके जो फैक्टर आए हैं, आप चाहें तो इनसे इस आंसर को वेरीफाई भी कर सकते हैं कि x की जगह एक बार थ्री बाई टू रख देंगे और एक बार वन रख देंगे, और दोनों ही कंडीशन में इसको जब सॉल्व करेंगे तो इक्वल टू जीरो आएगा। तो ये था एक्सरसाइज 4.2 का एग्जांपल नंबर 3। अब देखते हैं एग्जांपल नंबर 4। एक्सरसाइज 4.2 का एग्जांपल नंबर 4, इसमें क्या है कि फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 6x² - x - 2 = 0। तो इक्वेशन क्या है कि 6x² - x - 2 = 0। तो इसे हम कंपेयर करके देखेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से ए और सी की क्या वैल्यू आई, 6 और माइनस टू, कि हमें ऐसे दो नंबर चाहिए कि जिनको मल्टीप्लाई करके तो आए माइनस 12 और प्लस माइनस करके आए 1। तो ऐसे दो नंबर कौन से हैं कि अगर हम माइनस 4 में प्लस 3 ऐड करेंगे तो क्या आएगा माइनस 1, मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को तो क्या आएगा माइनस 12। तो फैक्टर क्या है इसके, 6x² - 4x + 3x - 2 = 0। तो इन दोनों में से क्या कॉमन आया, 2x, तो अंदर क्या रह गया 3x - 2, और यहां से इन दोनों में से क्या कॉमन आया 1, तो 3x - 2 = 0। तो 2x + 1 और 3x - 2 = 0। तो 2x + 1 = 0, यानी 2x = -1, यानी x क्या वैल्यू आई -1/2, और 3x - 2 = 0, यानी 3x = 2, और x की क्या वैल्यू आई 2/3। तो एक वैल्यू आई 2/3 और एक वैल्यू आई x की -1/2। अब आप चाहें तो आंसर को वेरीफाई भी कर सकते हैं कि x की जगह एक बार -1/2 रखेंगे और एक बार 2/3 रखेंगे इस इक्वेशन में, तो वो इक्वल आएगा 0। अब देखते हैं एक्सरसाइज 4.2 का फिफ्थ एग्जांपल। एक्सरसाइज 4.2 का फिफ्थ एग्जांपल, फिफ्थ एग्जांपल में क्या है कि फाइंड द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कि सेम हमें रूट्स फाइंड करने हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, बस इस बार इक्वेशन थोड़ी अलग है कि 3x² - 2√6x + 2 = 0। तो 3x² - 2√6x + 2 = 0। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो से कंपेयर करेंगे तो ए और सी की वैल्यू क्या आएगी, 3 और 2, मतलब हमें ऐसे दो नंबर चाहिए कि जिनको मल्टीप्लाई करके तो आए 6 और ऐड या माइनस करके क्या आए -√6। तो सिंपल आप देखेंगे कि अगर हम रूट सिक्स में रूट सिक्स की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 6, इसी तरह रूट थ्री में रूट थ्री की करेंगे तो क्या आएगा 3, और रूट टू में रूट टू के करेंगे तो क्या आएगा 2। तो यहाँ हमें माइनस के 2√6 लाना है, तो माइनस रूट सिक्स और माइनस रूट सिक्स की अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 6, और लेकिन अगर दोनों को -√6 और -√6 करेंगे तो क्या आएगा -√6। तो क्या बोले इसके फैक्टर, 3x² - √6x - √6x + 2 = 0। अब देखिए 3 को हम लिख सकते हैं √3 × √3, यानी √3 × √3x² - √6x - √6x, और 2 को लिख सकते हैं √2 × √2,
इक्वल टू जीरो। तो इन दोनों में से क्या कॉमन लेंगे हम, रूट थ्री इंटू रूट थ्री एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स में से कॉमन लेंगे हम रूट थ्री, तो रूट थ्री कॉमन, रूट थ्री एक्स, क्या कॉमन लिया रूट थ्री एक्स, तो अंदर क्या रहेगा रूट थ्री एक्स, और रूट सिक्स को अगर हम रूट थ्री से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा माइनस के रूट टू। ये रूट थ्री एक्स से अगर हम रूट सिक्स है, रूट सिक्स एक्स में से अगर हमने रूट थ्री कॉमन ले लिया तो अंदर क्या रहेगा रूट टू, और यहां से क्या कॉमन लेंगे हम इसमें से कॉमन, इन दोनों में से कॉमन लेंगे माइनस के रूट टू, तो अंदर क्या रहेगा माइनस रूट थ्री एक्स और माइनस रूट टू इक्वल टू जीरो। तो यहां से दो फैक्टर कौन कौन से आए, रूट थ्री एक्स माइनस रूट टू और रूट थ्री एक्स माइनस रूट टू इक्वल टू जीरो। तो रूट थ्री एक्स माइनस रूट टू इक्वल टू जीरो और रूट थ्री एक्स माइनस रूट टू इक्वल टू जीरो। तो रूट थ्री एक्स इक्वल टू रूट टू, तो एक्स की वैल्यू आई टू बाई थ्री अंडर रूट, और सेम यहाँ से भी रूट थ्री एक्स इक्वल टू रूट टू, तो एक्स की वैल्यू आई अंडर रूट टू बाई थ्री। अब आप चाहें तो इस आंसर को वेरीफाई कर सकते हैं कि अगर एक्स की जगह हम अंडर रूट टू बाई थ्री रख देंगे इस इक्वेशन में तो ये जीरो के इक्वल आएगा, अगर जीरो के इक्वल आता है तो हमारा आंसर सही है। तो ये था एग्जांपल नंबर फाइव एक्सरसाइज 4.2 का। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट एग्जांपल और क्लास का लास्ट क्वेश्चन सिक्स एग्जाम्पल एक्सरसाइज 4.2 का एग्जांपल नंबर सिक्स। तो इसमें क्या है कि फाइंड द डायमेंशन ऑफ द प्रेयर हॉल डिस्कस्ड इन 4.1। 4.1 का मतलब है कि चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 4.1 पर एक एग्जांपल दे रखा है कि एक प्रेयर हॉल है, एक रेक्टेंगुलर प्रेयर हॉल है जिसका कारपेट एरिया क्या है, कितना है 300 मीटर है। तो रेक्टेंगुलर प्रेयर हॉल है तो इसका मतलब है एरिया क्या होगा, लेंथ इनटू ब्रेथ, और लेंथ जो है लेंथ इज वन मोर देन ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ, कि लेंथ एक ज्यादा है उसके ट्वाइस से, कि मान लीजिए अगर ब्रेथ वन है तो वन का ट्वाइस होगा, वन का डबल होगा टू, टू प्लस वन थ्री, तो लेंथ कितनी है थ्री। तो हमें लेंथ और ब्रेड फाइंड करनी है, तो हम मान लेते हैं कि लेट ब्रेड भी x मीटर, कि इस प्रेयर हॉल की हमने लेंथ ब्रेड मान ली x मीटर, तो लेंथ x है तो ब्रेड x है तो लेंथ कितनी होगी, देन लेंथ भी x का डबल 2x प्लस 1 मीटर। अब एरिया कितना है 300 मीटर, और एरिया होता क्या है लेंथ इनटू ब्रेड्थ, तो लेंथ ब्रेड्थ कितनी है x और लेंथ कितनी है 2x प्लस 1 इक्वल टू 300। तो इसको ओपन करेंगे 2x इनटू x 2x स्क्वायर और 1 इनटू x प्लस x इक्वल टू 300। तो 2x स्क्वायर प्लस x 300 को इस तरफ ले आएंगे इक्वल टू 0। तो ये आया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से ए और सी की क्या वैल्यू आई 2 और 300 माइनस के 300। तो हमें एक ऐसा नंबर चाहिए कि जिनको दो नंबर ऐसे चाहिए कि मल्टीप्लाई करके तो आए 600 और प्लस माइनस करके आना चाहिए प्लस 1। तो आप 600 का एलसीएम ले सकते हैं, तो 2 × 300 150 75, फिर जाएगा 3 पर 25 5 5 25 5 5 1, तो 2 × 4 4 × 8 8 3 24 और × 25, यानी दो फैक्टर कौन से हो गए 2x² प्लस प्लस के 25x माइनस के 24x और माइनस के 300। अब हम क्या करेंगे कि इनको एडजस्ट कर देंगे, 2x² माइनस 24x कॉमन लेने के लिए,
और प्लस 25x माइनस 300 इक्वल टू जीरो। तो इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा 2x, तो इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा 2x, तो 2x कॉमन लिया तो x माइनस 12 और इसमें से क्या कॉमन आया 25, तो अंदर क्या बचा x माइनस 12। तो दो फैक्टर कौन से बने 2x प्लस 25 और x माइनस 12 इक्वल टू जीरो। तो 2x प्लस 25 इक्वल टू जीरो, तो 2x इक्वल टू माइनस 25 यानी x इक्वल टू माइनस 25 बाय 2 और x माइनस 12 इक्वल टू जीरो, तो x इक्वल टू 12। ये वैल्यू हम नेगलेक्ट कर देंगे क्योंकि लेंथ ऑफ ब्रेड्थ कभी भी नेगेटिव नहीं होती। तो x की क्या वैल्यू आई 12, यानी ब्रेड्थ कितनी आई, हमने ब्रेड्थ मानी थी ना x, तो ब्रेड्थ की वैल्यू आई 12 मीटर। तो लेंथ कितना होगा 2x प्लस 1, x की कितनी वैल्यू है 12, तो 2 इंटू 12 प्लस 1 इन 24 प्लस 1 25 मीटर और ब्रेड्थ 12 मीटर। एरिया निकालेंगे दोनों का आएगा। आज की क्लास 10th की मैथमेटिक्स की क्लास में हम करेंगे एक्सरसाइज 4.2 और इससे पहले की क्लासिंग में हम कंप्लीट कर चुके हैं एक्सरसाइज 4.2 के एग्जांपल्स तक। और अगर आपने वो सारी क्लासेस अभी तक नहीं देखी हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप उन क्लासेस को देख सकते हैं। तो चलिए अब देर करे बिना अपनी आज की क्लास स्टार्ट करें। एक्सरसाइज 4.2 का फर्स्ट क्वेश्चन, तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या करना है कि फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन। कि ये हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है तो हमें इसके रूट्स फाइंड करने हैं फैक्टराइजेशन मेथड से। फैक्टराइजेशन का मेथड का मतलब है इसकी जो मिडिल टर्म है इसको हमें स्प्लिट करना है। तो इसका फर्स्ट पार्ट है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू जीरो। तो इसको हम कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, वो क्या होती है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। मतलब हमें ऐसा नंबर चाहिए तो इसमें हम क्या करते हैं ए इंटू सी, तो 1 इंटू माइनस 10 माइनस 10 की हमें ऐसा नंबर चाहिए, ऐसे दो नंबर चाहिए कि जिन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर तो है माइनस 10 और प्लस माइनस करने पर क्या है माइनस 3। तो ऐसे दो नंबर हैं 5 और 10। अगर माइनस 5 में अगर हम प्लस 2 ऐड करेंगे तो क्या आएगा माइनस 3 और मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को तो क्या आएगा माइनस 10। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 इक्वल टू जीरो। तो इन दोनों में से क्या कॉमन आया x, तो अंदर क्या रहेगा x माइनस 5 और इन दोनों में से क्या कॉमन आया प्लस के 2, तो अंदर क्या रहेगा x माइनस 5 इक्वल टू जीरो। तो x माइनस 5 और x प्लस 2 इक्वल टू जीरो। तो x माइनस 5 इक्वल टू जीरो, तो x इक्वल टू 5 और x प्लस 2 इक्वल टू जीरो यानी x इक्वल टू माइनस 2। माइनस 2 और 5 इसके आए रूट्स इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। और आप चाहें तो आंसर को वेरीफाई भी कर सकते हैं कि x की जगह आप एक बार 5 रखेंगे इस इक्वेशन में और एक बार माइनस 2 रखेंगे तो दोनों कंडीशन में इक्वल टू जीरो ही आएगा। अब देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, इसमें क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² + x - 6 = 0। तो सबसे पहले ax² + bx + c = 0 से कंपेयर करते हैं। तो a की क्या वैल्यू है 2 और c की क्या वैल्यू है माइनस 6, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 2 यानी a इंटू c, तो 2 इंटू माइनस 6 माइनस 12। हमें ऐसा नंबर चाहिए जिसको दो नंबर को मल्टीप्लाई करके तो आए माइनस 12 और प्लस माइनस करके आना चाहिए 1। तो ऐसे दो नंबर हैं 4 माइनस 3 क्या आएगा 1 और 4 इंटू माइनस 3 क्या आएगा माइनस के 12। तो 2x² प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 इक्वल टू 0। इन दोनों में क्या कॉमन आया 2x, तो अंदर क्या रहेगा x प्लस 2। इन दोनों में क्या कॉमन आया माइनस के 3, तो अंदर क्या रहेगा x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो 2x माइनस 3 और x प्लस 2 इक्वल टू 0
तो 2x-3=0 यानी 2x=3 यानी x=3/2 और x+2=0 यानी x की क्या वैल्यू आई -2। तो दो रूट्स कौन कौन से आए -2 और 3/2। अब आप चाहें तो वेरीफाई कर सकते हैं इस इक्वेशन में x की जगह एक बार 3/2 और एक बार -2 रखेंगे तो 0 ही आएगा, यानी इस इक्वेशन को ये रूट्स सेटिस्फाई करेंगे। अब देखते हैं इसका थर्ड पार्ट। ये थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट में क्या है, √2x² + 7x + 5√2=0। मतलब ax² + bx + c = 0 से कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू है √2 और c की वैल्यू है 5√2, यानी कि √2 × 5√2 यानी a × c, तो ये क्या आएगा 10। दो नंबर है ऐसे चाहिए कि जिनको मल्टीप्लाई करके तो आए 10 और प्लस माइनस करके आना चाहिए 7। तो दो नंबर है 5 + 2, 5 और 2, 5 + 2 करेंगे तो क्या आएगा 7, हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 10। तो √2x² + 2x + 5x + 5√2=0। अब √2x² और इस 2 को हम लिख सकते हैं √2 × √2x और इस 5 को लिख सकते हैं √5 × √5x और +5√2=0। तो इन दोनों में से क्या कॉमन आया √2x, अंदर क्या रह गया x + √2 और इन दोनों में से क्या कॉमन आया, इन दोनों में से आया तो √2x² और इस 2 को हम लिख सकते हैं √2 × √2x + 5x + 5√2=0। तो इन दोनों में से क्या कॉमन आया √2x, तो अंदर क्या बचा है x + √2 और इन दोनों में से क्या कॉमन आया 5, तो अंदर क्या बचा है x + √2=0। तो √2x + 5 और x + √2=0। तो √2x + 5=0, तो √2x = -5, तो x = -5/√2 और x + √2=0 यानी x की वैल्यू आई -√2। अब ये दोनों वैल्यू अगर हम यहाँ पुट करेंगे इस इक्वेशन में तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी। तो ये है फर्स्ट क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट। तो इसमें क्या है 2x² - x + 1/8=0। तो सबसे पहले तो हमें इस इक्वेशन का क्या लेना है एलसीएम, तो इसका एलसीएम क्या आएगा 8। तो 8 × 2 = 16x² और 8 × 1 = 8 और 8 × 1 = 8 −8x + 1=0। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे 16x² - 8x + 1=0। तो ये क्या है ax² + bx + c = 0। तो यहाँ से हम सबसे पहले करेंगे a × c, तो a × c यानी 16 × 1 क्या आएगा 16। तो हमें ऐसे दो नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करके तो आए 16 और प्लस माइनस करके आना चाहिए -8। तो वो दो नंबर कौन से हैं -4 - 4। अगर -4 में -4 ऐड करेंगे तो आएगा -8 और मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 16। तो 16x² - 4x - 4x + 1=0। इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा 4x, तो अंदर क्या रहेगा 4x - 1 और इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा -k। इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, इन दोनों में से कॉमन आएगा -1। तो अंदर क्या रहेगा 4x - 1=0। तो 4x - 1 और 4x - 1=0। तो 4x - 1=0, तो 4x = 1, तो x की क्या वैल्यू आई 1/4 और 4x - 1=0
फोर एक्स इक्वल टू वन, तो एक्स ये वैल्यू आई 1/4, तो दो रूट कौन से आए 1/4 और 1/4। अब देखते हैं इसका फिफ्थ पार्ट और फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट। फिफ्थ पार्ट में क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन 100x² - 20x + 1 = 0। तो a इंटू सी करेंगे तो क्या आएगा 100। तो हमें ऐसे दो नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करके तो आना चाहिए 100 और प्लस माइनस करके आना चाहिए -10। तो ऐसे दो -20, तो ऐसे दो नंबर है -10 में अगर हम -10 करेंगे तो क्या आएगा -20, और लेकिन मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा -10 × -10 प्लस के 100। तो 100x² - 10x - 10x + 1 = 0। तो इसमें से क्या, इन दोनों में से क्या कॉमन आया 10x, तो अंदर क्या रहेगा 10x - 1, और इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा -1, तो अंदर क्या रहेगा 10x - 1 = 0। तो 10x - 1 और 10x - 1 = 0। तो 10x - 1 = 0 और 10x - 1 = 0। तो यहाँ से 10x = 1 और x = 1/10, यहाँ से 10x = 1 तो x = 1/10। तो दो रूट कौन से है 1/10 और 1/10। तो आप चाहें तो इस आंसर को वेरीफाई भी कर सकते हैं कि x की जगह 1/10 रख दीजिए इस इक्वेशन में, और ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए। अब देखते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन में क्या है कि जॉन एंड जयवंती, सेकंड क्वेश्चन में सबसे पहले तो दो पार्ट हैं, क्योंकि सेकंड क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो एग्जांपल वन में जो प्रॉब्लम थी हुई है उनको हमें सॉल्व करना, तो उसके दो पार्ट हैं। और उसका फर्स्ट पार्ट ये है, द जॉन एंड जयवंती टुगेदर है 45 मार्बल्स, बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच, कि उनके पास दोनों के पास 45 मार्बल्स हैं और दोनों ने 5 मार्बल्स लॉस्ट कर दिए हैं। इन द प्रोडक्ट ऑफ मार्बल्स नाउ दे हैव इज 124, और अब जितने मार्बल्स इन दोनों के पास हैं उनका प्रोडक्ट आएगा 124। तो हमें नंबर ऑफ मार्बल्स फाइंड करने की, दोनों के पास कितने हैं। तो हम मान लेते हैं कि लेट नंबर ऑफ मार्बल्स जोन है, जॉन के पास कितने मार्बल्स हैं, हमने मान लिए जॉन के पास है भैया एक्स, अब दोनों के पास कितने हैं 45, तो एक के पास एक्स है तो सेकंड के पास कितने होंगे 45 - x। अब मान लीजिए एक्स की जगह 20 हो, अगर मान लीजिए 20 हो तो दोनों के पास कितने हैं 45, तो एक के पास 20 है तो दूसरे के पास कितने होंगे 45 - 20। तो जयवंती के पास कितने होंगे, देन नंबर ऑफ मार्बल्स जयवंती है कितने होंगे 45 - x। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की कंडीशन क्या है कि दोनों ने कितने मार्बल्स लॉस्ट कर दिए, 5 मार्बल्स दोनों ने लॉस्ट कर दिए। तो नंबर ऑफ मार्बल्स ऑफ जॉन, अब कितने बचे, नंबर ऑफ मार्बल्स जॉन है कि पहले कितने थे एक्स, कितने लॉस्ट कर दिए 5, तो x - 5, और नंबर ऑफ मार्बल्स जयवंती है कितने होंगे 45 - x, तो पहले ही थे 5 और लॉस्ट कर दिए, तो 45 - x - 5, तो 45 में से 5 गए 40 - x। अब दोनों का प्रोडक्ट क्या है कि x - 5 और 40 - x कितना है 124। तो सिंपल इस ब्रैकेट को ओपन कर देंगे पहले, तो 40x - 200 - x² और -± +, तो 5x = 124। तो यहाँ से क्या आया 40x + 5x यानी 45x, तो -x² - 200 और +45x = 124।
124 को इस तरफ ले आएंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45x और 200 माइनस 124 324 इक्वल टू जीरो के माइनस के 200 में माइनस के 124 करेंगे तो क्या आएगा 324 और इसमें से लेंगे माइनस कॉमन तो एक्स स्क्वायर माइनस 45x और प्लस के 324 इक्वल टू जीरो ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इक्वल टू जीरो अब ए इंटू सी करेंगे तो 324 तो दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करके आना चाहिए और प्लस माइनस करके कितना आना चाहिए 45 तो यहाँ एक बार 324 का आप एलसीएम लेंगे तो 2 से जाएगा 162 2 से 181 पर 3 से 27 3 9 जा और 3 3 जा 3 3 जा 1 तो 2 4 जा 8 2 2 जा 4 4 3 जा 12 12 3 जा 36 और 36 इंटू 9 24 यानी 36 और 9 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 324 और तो हमें चाहिए किसका माइनस का 45 यानी माइनस के 36 और माइनस के 9 करेंगे तो क्या आएगा दोनों को माइनस माइनस यानी माइनस के 36 और माइनस के 9 तो कितना आएगा माइनस के 45 और मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को तो आएगा 324 इन दोनों में से क्या कॉमन आया तो x माइनस 36 एक्स कॉमन आया तो अंदर बचा एक्स माइनस 36 और इन दोनों में से क्या कॉमन आया 9 तो अंदर क्या बचा एक्स माइनस 36 इक्वल टू जीरो तो एक्स माइनस 9 और एक्स माइनस 36 इक्वल टू जीरो तो एक्स माइनस 9 इक्वल टू जीरो और एक्स माइनस 36 इक्वल टू जीरो तो एक्स इक्वल टू 9 और एक्स इक्वल टू 36 तो जॉन के पास कितने मार्बल हैं अगर जॉन के पास 9 है तो जेवंती के पास कितने होंगे दोनों के पास कितने होने चाहिए 36 तो 45 माइनस 9 36 और अगर जॉन के पास 36 हैं तो जेवंती के पास कितने होंगे 45 माइनस 36 9 क्योंकि यहाँ x की दो वैल्यू आई है 9 और 36 तो अगर जॉन के पास 9 है तो जेवंती के पास कितने होंगे 36 और जॉन के पास अगर 36 है तो जेवंती के पास कितने होंगे 9 अब देखते हैं इसका सेकंड पार्ट सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट तो इसमें क्या है कि एक कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस ए सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ईच वाज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन अ डे कि कॉस्ट कितनी है कि जितनी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज कि जितने टॉयज प्रोड्यूस किए जाते हैं उसमें से 55 माइनस कर लें ऑन ए पर्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज कितनी है 750 तो फाइंड द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस एंड कॉस्ट ऑफ ईच टॉय तो हम मान लेते हैं कि लेट नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस बी एक्स अगर नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस हो रहे हैं एक दिन यानी नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस हो रहे हैं एक्स तो कॉस्ट कितनी होगी देन कॉस्ट बी कॉस्ट क्या थी 55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस तो नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस कितने एक्स तो 55 माइनस एक्स अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इंटू कॉस्ट ऑफ टॉयज नंबर की जितने टॉयज प्रोड्यूस हुए हैं और उनकी कॉस्ट कितनी है तो नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस कितने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी दी हुई है 750 नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस कितने हैं एक्स कॉस्ट कितनी है 55 माइनस एक्स तो ब्रैकेट ओपन करेंगे 750 55 एक्स
माइनस एक्स स्क्वायर, यानी क्या है इक्वेशन 55x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 750। 750 को भी इस तरफ ले आएंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस के 55x माइनस के 750 इक्वल टू जीरो। माइनस कॉमन लेंगे तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इक्वल टू जीरो। तो एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इक्वल टू जीरो, इसको कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। तो हमें ऐसे दो नंबर चाहिए कि जिनको मल्टीप्लाई करके तो आना चाहिए 750 और प्लस माइनस करके आना चाहिए माइनस के 55। तो अगर आप 750 का एलसीएम लेंगे तो 2 3 से जाएगा 375 पर, अब जाएगा 3 से 125 पर, फिर 3 से 45 पर, नहीं फिर 3 से जाएगा ये जाएगा 5 से, तो 5 से 25 पर, 5 से 25 पर और 5 पर 5 से 2 2 3 6 30 इंटू 25 करेंगे तो क्या आएगा 750। और दोनों को माइनस में करेंगे कि माइनस के 30 है और माइनस के 25 तो कितना आएगा माइनस के 55। तो रूट्स कौन से आए यानी इसके फैक्टर क्या है माइनस 30x माइनस 25, इन दोनों में से क्या कॉमन लेंगे x, तो अंदर क्या रहेगा x माइनस 30, इसमें से 25 कॉमन लेंगे तो अंदर क्या रहेगा प्लस के 750। तो अंदर क्या रहेगा x माइनस 30 इक्वल टू जीरो। तो x माइनस 30 और x माइनस 25 इक्वल टू जीरो। तो x माइनस 30 इक्वल टू जीरो, तो x इक्वल टू 30 और x माइनस 25 इक्वल टू जीरो, तो x की क्या वैल्यू है 25। तो x की एक वैल्यू आई 30, एक आई 25, मतलब नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस कितने होंगे एक दिन में। तो नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस होंगे एक दिन में अगर x 30 तो कॉस्ट कितनी आएगी 55 माइनस 30 25, और नंबर ऑफ टॉयज अगर प्रोड्यूस होंगे 25 तो कॉस्ट क्या आएगी इस टॉय की 55 माइनस 25 30। अब देखते हैं अपना इस एक्सरसाइज का थर्ड क्वेश्चन। एक्सरसाइज 4.3 एक्सरसाइज 4.2 का थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन में क्या है कि फाइंड टू नंबर्स व्हिच सम इज 27, कि दो नंबर हमें फाइंड करने हैं जिनका सम कितना है 27 और प्रोडक्ट कितना है 182। तो मतलब दो नंबर हैं जिनका सम 27 है, तो इसका मतलब है कि दोनों को ऐड करके कितना आएगा 27, कि फर्स्ट नंबर प्लस टू नंबर कितना है 27। तो एक नंबर मान लीजिए अगर 10 है तो सेकंड कितना होगा 27 माइनस 10 कितना 17। तो इसका मतलब है कि अगर हम एक नंबर को मान लेते हैं लेट फर्स्ट नंबर भी x, तो सेकंड नंबर क्या होगा, देन सेकंड नंबर भी कि फर्स्ट नंबर को तो मान लिया x और दोनों को ऐड करके कितना आ रहा है 27, तो मतलब सेकंड नंबर कितना हुआ 27 माइनस x। अब दोनों का प्रोडक्ट कितना है कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों का प्रोडक्ट कितना है 182। नंबर क्या कौन कौन से हैं, एक तो x और 27 माइनस x, तो दोनों का प्रोडक्ट कितना है 182। तो यहाँ से सिंपल ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 27x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 182। तो 27x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 182 इक्वल टू जीरो। तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 27x और माइनस 182 इक्वल टू जीरो। अब इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस के 182 इक्वल टू जीरो। स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे तो हमें ऐसे दो नंबर चाहिए कि जिनका मल्टीप्लिकेशन तो आए 182 और
प्लस माइनस करके आना चाहिए माइनस के 27। तो 2 का लेंगे हम एलसीएम 91, अब जाएगा ये डायरेक्ट 7/13। तो 14 और 13 वो दो नंबर हुए और हमें किस क्या चाहिए माइनस के 27। तो इसका मतलब दोनों ही माइनस के। तो एक्स के माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 इक्वल टू 0। इन दोनों में से क्या कॉमन आया x, तो अंदर क्या रहेगा x माइनस 14। इन दोनों में से क्या कॉमन आया माइनस के 13, अंदर क्या रहेगा x माइनस 14 इक्वल टू 0। तो x माइनस 14 और x माइनस 13 इक्वल टू 0 इक्वल टू 0। तो x की एक वैल्यू आई 14, एक आई 13। अब देखिए दोनों को ऐड करेंगे, 14 प्लस 13 क्या आएगा 27, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 182। अब देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन एक्स है 4.2 का फोर्थ क्वेश्चन। तो इसमें क्या है, फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स जिनके सम ऑफ स्क्वायर्स क्या है 365। अब कंसेक्यूटिव का मतलब है कि नेक्स्ट, कि आगे का या पीछे का। अब इसमें क्या है पॉजिटिव नंबर हमें फाइंड करना, तो इसका मतलब है कि अगर एक नंबर 1 है तो उसके बाद क्या आएगा पॉजिटिव 2। तो एक नंबर 1 है तो सेकंड होगा 2, माइनस या 0 नहीं होगा क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर हमें लेना है। तो हम मान लेते हैं कि लेट फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर भी 10, सेकंड पॉजिटिव इंटीजर भी पहला x है तो सेकंड क्या होगा उसका कंसेक्यूटिव x प्लस 1। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इनका सम ऑफ स्क्वायर्स कितना है कि x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर कितना है 365। अब एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर और यहाँ लगेगा ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला, तो वो क्या है कि एक्स स्क्वायर उसके अकॉर्डिंग क्या आएगा प्लस 1 प्लस 2x इक्वल टू 365। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर एंड 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 365 को इस साइड ले लेंगे 2x स्क्वायर प्लस 2x और यह है माइनस के 364 इक्वल टू 0। 1 माइनस 365 माइनस के 364, इसमें से पहले 2 कॉमन लेंगे तो क्या रह जाएगा अंदर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इक्वल टू 0, यानी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इक्वल टू 0। अब यहाँ कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, तो हमें ऐसे दो नंबर चाहिए जिनका मल्टीप्लीकेशन करके तो आना चाहिए माइनस के 182 और प्लस माइनस करके आना चाहिए 1। तो माइनस के 14 माइनस 13 कितना आएगा माइनस 1 और मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा माइनस के 182। मतलब सिंपल ये है कि हमें 182 का एलसीएम लेना है, वो क्या आएगा उसके अकॉर्डिंग 14 और 13। तो एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इक्वल टू 0। इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा x, x प्लस 14 और इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा माइनस के 13, तो अंदर क्या रहेगा। तो दो फैक्टर कौन से आए x प्लस 14 और x माइनस 13 इक्वल टू 0। तो x प्लस 14 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आई माइनस 14 और x माइनस 13 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आई 13। x प्लस 14 को हम कर देंगे नेगलेक्ट क्योंकि हमें चाहिए पॉजिटिव इंटीजर, तो पॉजिटिव इंटीजर कौन सा है 13। फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर कौन सा है थर्टीन, तो सेकंड या कहें सेकंड कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर कौन सा होगा
वो क्या माना था हमने, x प्लस वन, और x की वैल्यू आई 13, तो 13 प्लस वन 14, तो कौन से दो इंटीजर आए, 13 और 14, कि जिनके सम ऑफ स्क्वायर क्या आएगा, 365। आप 13 का देखेंगे तो 13 का स्क्वायर आएगा 169 और 14 का आएगा 196, और दोनों को आप ऐड करेंगे तो आएगा 365। अब देखते हैं एक्सरसाइज 4.2 का फिफ्थ क्वेश्चन। एक्सरसाइज 4.2 का फिफ्थ क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन में क्या है, द एल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, कि एल्टीट्यूड जो है राइट एंगल ट्राइंगल का वो 7 सेंटीमीटर कम है उसके बेस से। एल्टीट्यूड का मतलब है जो परपेंडिकुलर है वो उसके बेस से 7 सेंटीमीटर कम है। इफ द हाइपोटेन्यूस इज 13 सेंटीमीटर फाइंड द टू अदर साइड, तो अगर हाइपोटेन्यूस 13 सेंटीमीटर है तो हमें दोनों साइड फाइंड कर लिए। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, नाम दे दीजिए से ए बी सी, तो ये है इसका बेस और ये है वो अल्टीट्यूड। ये क्या है बेस, ये जो अल्टीट्यूड है बेस से 7 सेंटीमीटर लेस है और ये कितना दिया हुआ 13 सेंटीमीटर। तो हम मान लेते हैं कि लेट लेट एल्टीट्यूड लेट बेस ऑफ एल्टीट्यूड है 7 सेंटीमीटर, लेट बेस ऑफ राइट एंगल, लेट बेस भी हमने मान लिया x सेंटीमीटर। अब बेस x सेंटीमीटर मान लिया तो एल्टीट्यूड कितना होगा, देन एल्टीट्यूड भी x माइनस 7 सेंटीमीटर। अब इसमें क्या है कि पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग, तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है, बाय पाइथागोरस थ्योरम उसमें क्या होता है कि एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो एच क्या है हाइपोटेन्यूस स्क्वायर और पी क्या है ये परपेंडिकुलर यानी कि अल्टीट्यूड का स्क्वायर और बी क्या है बेस स्क्वायर, तो ये कितना दिया हुआ 13 का स्क्वायर। अब पी क्या है यानी एल्टीट्यूड कितना है एक्स माइनस 7 का स्क्वायर और बेस कितना है एक्स का स्क्वायर, तो 13 का स्क्वायर 169। इसको ओपन करेंगे ए माइनस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला, तो एक्स स्क्वायर और प्लस के 49 और माइनस के 14x, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस के एक्स स्क्वायर, तो 169 इक्वल टू कितना हुआ x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49। अब इसको इस साइड लाएंगे तो 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 इक्वल टू 169 को इस साइड लाएंगे 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस के 169 इक्वल टू 0, यानी क्या है 2x स्क्वायर और माइनस 14x और 169 में से 49 माइनस करेंगे तो क्या आएगा माइनस के 120 इक्वल टू 0। अब इसमें से क्या कॉमन आएगा 2, तो x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0, तो x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। अब इसको कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, तो हमें ऐसे दो नंबर चाहिए कि जिनको मल्टीप्लाई करके तो आए माइनस के 60 और प्लस माइनस करके आना चाहिए माइनस के 7, तो 12 5 60। अब आप देखेंगे तो हमें चाहिए माइनस का 7 यानी माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 इक्वल टू 0, कि माइनस 12 में प्लस 5 करेंगे तो क्या आएगा माइनस के 7 और मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा माइनस के 60। इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा एक्स माइनस 12 और इन दोनों में से 5, तो 5 माइनस एक्स माइनस 12, तो एक्स माइनस 12 और एक्स प्लस 5 इक्वल टू 0, तो एक्स माइनस 12 इक्वल टू 0 यानी एक्स की वैल्यू एक आई 12 और एक्स प्लस 5 इक्वल टू 0, तो x की एक वैल्यू आई माइनस के
तो माइनस फाइव तो हो नहीं सकती क्योंकि बेस कभी माइनस में हो ही नहीं सकता। तो x की क्या वैल्यू आई 12, यानी बेस कितना है 12 सेंटीमीटर। अब बेस 12 है तो एल्टीट्यूड कितना होगा 12 माइनस x, नहीं बेस है x माइनस 7, तो x माइनस 7 और x की वैल्यू है 12, तो 12 माइनस 7 5 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर। और आप पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग देंगे देखेंगे तो h का स्क्वायर कितना है 169, तो p का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर 25 और b का स्क्वायर यानी 12 का स्क्वायर 144, दोनों का ऐड करेंगे क्या आएगा 169, यानी कि दोनों साइड इक्वल। तो इस तरीके से आप वेरीफाई भी कर सकते हैं। अब देखते हैं एक्सरसाइज 4.2 का लास्ट क्वेश्चन, सिक्स्थ क्वेश्चन। एक्सरसाइज 4.2 का सिक्स्थ क्वेश्चन और यानी कि एक्सरसाइज 4.2 का लास्ट क्वेश्चन। तो इसमें क्या है कि एक कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस ए सर्टेन नंबर ऑफ पॉटिकल पॉटरी आर्टिकल्स इन ए डे। इट वाज ऑब्जर्वड ऑन ए पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वाज 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन दैट डे। कि किसी एक खास दिन पर जो यानी हर एक आर्टिकल की कॉस्ट है वो कितनी है, 3 ज्यादा है कि ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स की कॉस्ट 3 ज्यादा है कि जितने आर्टिकल प्रोड्यूस हो रहे हैं उसके ट्वाइस। इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज 90, अगर टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की 90 रुपीज, फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस, कि हमें नंबर ऑफ आर्टिकल्स फाइंड करने की कितने आर्टिकल प्रोड्यूस हुए और उनकी हर एक की कॉस्ट क्या। तो हम मान लेते हैं कि लेट नंबर ऑफ आर्टिकल्स भी क्या है, हमने मान लिया एक्स, तो देन कॉस्ट कितनी होगी, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल हमने नंबर ऑफ आर्टिकल मान लिए एक्स, तो कॉस्ट कितनी होगी, और कॉस्ट क्या है कि 3 ज्यादा है, यानी 3 ज्यादा है किससे, द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस, और नंबर ऑफ आर्टिकल कितने प्रोड्यूस एक्स, तो एक्स का ट्वाइस 2x, तो कॉस्ट क्या है 3 प्लस 2x, क्योंकि कॉस्ट 3 ज्यादा है उसके आर्टिकल प्रोड्यूस हुए हैं जितने उसके ट्वाइस से, आर्टिकल कितने प्रोड्यूस हुए एक्स, तो एक्स का ट्वाइस 2x। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब इनका कॉस्ट क्या है, कॉस्ट क्या होती है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होगा, क्या होगा नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस इनटू कॉस्ट, और नंबर ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी थी 90 और नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने हैं एक्स, कॉस्ट क्या है 3 प्लस 2x, तो इनको सिंपल मल्टीप्लाई कर देंगे तो x इंटू 3 3x प्लस 2x इंटू x 2x स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर प्लस 3x इक्वल टू 90, तो 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 इक्वल टू 0। इसको हम करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कन्वर्ट, तो हमें ऐसे दो नंबर चाहिए कि जिनको मल्टीप्लाई करके तो आए माइनस के 180 और प्लस माइनस करके आए 3, तो जब आप 180 का एलसीएम लेंगे तो 290 245, फिर जाएगा 3 पर 15 और 3 5 जा और 5 5 जा 1, तो 2 2 जा 4 4 3 जा 12 और 12 इंटू 15 180। हमें क्या चाहिए प्लस का 3, यानी कि 2x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 इक्वल टू 0।
तो हम अब क्या करेंगे, 2x² - 12x + 15x - 19 = 0। इन दोनों में से क्या कॉमन, 2x, तो अंदर क्या बचा है, x - 6, और इन दोनों में से प्लस के 15, तो अंदर क्या कॉमन वो बचा, x - 6, तो 2x + 15 और x - 6 = 0। तो 2x + 15 = 0, यानी 2x = -15, यानी x की वैल्यू है -15/2, और x - 6 = 0, तो x की क्या वैल्यू है, 6। माइनस वाली वैल्यू नेगलेक्ट कर देंगे हम, क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल प्रोड्यूस होंगे तो 0 से तो ज़्यादा ही होंगे, कि कुछ प्रोड्यूस हुआ तो वो प्लस में होगा, पॉजिटिव में होगा, नेगेटिव में कभी नहीं होगा। तो x की क्या वैल्यू आई, 6। तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने प्रोड्यूस हुए हैं, नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड कितना है, कितने प्रोड्यूस हुए, 6। अब कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, वो हमने क्या मानी थी, 3 + 2x। अब x की क्या वैल्यू है, 2 × 6, x की वैल्यू है 6, तो 2 × 6 = 12, और 12 + 3 = 15, तो कॉस्ट ईच आर्टिकल की कितनी आई, 15, और आर्टिकल कितने प्रोड्यूस हुए, 6, तो टोटल प्रोडक्शन कितनी आई, 15 × 6 = 90, तो आंसर वेरीफाइड हो जाता है। और आज की क्लास 10 की मैथमेटिक्स की क्लास में हम करेंगे एक्सरसाइज 4.3 के एग्जांपल्स, और उसमें यूज होने वाला टॉपिक नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स के बारे में हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इंट्रोडक्शन वाली क्लास में, और अगर आपने वो क्लास अभी तक नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप उन क्लासेस को भी देख सकते हैं। तो चलिए अपनी आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक है नेचर ऑफ रूट्स, कि रूट्स का नेचर क्या होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, कि ax² + bx + c = 0। तो यहाँ पर x स्क्वायर का के साथ जो कोफिशिएंट है, x स्क्वायर के साथ जो वैल्यू है वो a की वैल्यू है, x के साथ जो वैल्यू है वो b की है, और c कांस्टेंट। तो सबसे पहले हम इसमें निकालते हैं d की वैल्यू। d क्या होता है, d को हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं हम डी को, और डी का फार्मूला क्या होता है, b² - 4ac। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, कि डी की वैल्यू निकालनी है। तो डी का फार्मूला b² - 4ac, और अगर ये डी की वैल्यू 0 से ज्यादा आती है, कि यानी ग्रेटर देन 0 आएगी, तो क्या होगा, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। अगर d की वैल्यू 0 से ज्यादा आएगी तो क्या आएगा, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। डिस्टिंक्ट का क्या मतलब है, डिफरेंट, यानी कि जो भी दो वैल्यू आएंगी वो अलग अलग आएंगी, कि जैसे या तो 1, 2 या 1, 3 कुछ भी आ सकती है, लेकिन दोनों वैल्यू सेम नहीं आएंगे। तो ये तो कंडीशन है जब d 0 से ज्यादा हो, और अगर d 0 के इक्वल हो तो क्या होगा, कि टू इक्वल रियल रूट्स। कि अगर d 0 के बराबर होगा तो क्या होगा, टू इक्वल रियल रूट्स। अब इक्वल रियल रूट्स का मतलब है कि d जो भी वैल्यू आएंगे रूट्स दोनों सेम आएंगे, और अगर d 0 से कम हो तो क्या होगा, नो रियल रूट्स। कि अगर d की वैल्यू 0 से कम है तो नो सॉल्यूशन या नो रियल रूट्स। अगर ये दोनों कंडीशन हो, कि d या तो d ग्रेटर देन 0 या d इक्वल टू 0, तो यहां से x की क्या वैल्यू आएगी, -b + -b² - 4ac / 2a। ये रूट निकालने का फार्मूला है,
और बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी क्या होता है डी, यानी डी की जो वैल्यू आएगी उसका स्क्वायर रूट करेंगे माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन टू ए। तो यहां से दोनों रूट्स निकल आएंगे इस फार्मूले से। ये कंडीशन जब है जब डी या तो ग्रेटर देन जीरो हो या डी इक्वल टू जीरो हो, और जब डी लेस देन जीरो होगा तो नो रियल रूट पॉसिबल। तो ये है नेचर ऑफ रूट्स। अब देखते हैं हम एक्स साइड 4.3 के एग्जांपल्स। तो एक्सरसाइज 4.3 का एग्जांपल नंबर 7, तो इसमें क्या है कि फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट of the quadratic equation 2x² - 4x + 3 = 0। discriminant का मतलब है कि हमें b की value find करनी है, d क्या formula क्या होता है b² - 4ac and hence find the nature of its roots। तो nature of roots किस पर depend करेगा, d की value पर। तो quadratic equation क्या है 2x² - 4x + 3 = 0। अब ax² + bx + c से अगर हम इसको कंपेयर करें c = 0 से कंपेयर करेंगे तो a की क्या वैल्यू आएगी, a की वैल्यू आएगी 2 और b की क्या वैल्यू आएगी जो x के साथ का कोएफिशिएंट है तो वो क्या है -4 और c क्या है 3। d का क्या फार्मूला होता है, d का फार्मूला होता है b² - 4ac। अब b की क्या वैल्यू है -4 का स्क्वायर, -4, a की वैल्यू है 2 और c की वैल्यू है 3। -4 का स्क्वायर 16 और -4 2 जा 8 8 3 जा 24। तो d की वैल्यू कितनी आई -8। तो d की वैल्यू क्या है लेस देन 0 है तो क्या होगा नो रियल रूट्स। d की वैल्यू 0 से कम है तो कोई रूट्स पॉसिबल नहीं है। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 8। एग्जांपल नंबर 8 में क्या है, ए पोल हैज टू बी इरेक्टेड एट ए पॉइंट ऑन द बाउंड्री ऑफ ए सर्कुलर पार्क और डायमीटर 13 मीटर्स। एक सर्कुलर पार्क है और एक पोल बनाया गया है उसकी बाउंड्री पर और सर्कुलर पार्क का डायमीटर कितना है 13 मीटर्स। इन सच ए वे दैट द डिफरेंसेस ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम टू डायमेट्रिकली अपोजिट गेट्स ए एंड बी ऑन द बाउंड्री इज 7 मीटर्स। इसका मतलब है कि ये अगर एक सर्कुलर पार्क है तो ये अगर इसका सेंटर है तो ये तो हुआ कि वो है इसका डायमीटर 13 मीटर्स, ये होगा डायमीटर 13 मीटर्स और एक पोल इसको हम नाम देते हैं पी पॉइंट। और तो ये क्या है और इसको दे दिया ए और ये बी, तो ए बी कितना हुआ 13 मीटर्स और अगर हम इस पॉइंट को मान लें कि लेट पॉइंट बी पी कितना है, पॉइंट बी पी इसको हम मान लेते हैं एक्स मीटर्स और उसके दोनों डायमीट्रिकली अपोजिट बेस कौन से हैं बी पी और ए पी, कौन से हैं बी पी एंड ए पी, तो बी पी माइनस ए पी कितना है ए पी है 7, बी पी माइनस ए पी कितना दिया हुआ 7 मीटर्स। तो अब बी पी हमने क्या माना हुआ है x, तो x माइनस ए पी इक्वल टू 7, तो यहां से x की ए पी की वैल्यू आएगी x प्लस 7 आई ए पी की वैल्यू और एंगल ए पी भी क्या है 90 डिग्री है तो ये क्या होगा पाइथागोरस थ्योरम से, उसमें ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो इसका मतलब है इसमें h क्या है 13 मीटर्स, परपेंडिकुलर क्या है x और बेस कितना है x - 7। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है
एच स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। एच कितना है 13, अब परपेंडिकुलर यानी बीपी कितना है एक्स, तो एक्स का स्क्वायर और बेस, बेस क्या है एक्स माइनस 7 का स्क्वायर, तो 169 एक्स स्क्वायर, और ए माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले से क्या होगा कि एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 49। अब यहां से 169 इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 49, 169 को इस साइड ले जाएंगे तो 2x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 49, अरे बेस यार ये x में बेस x प्लस 7 आएगा, ये x प्लस 7 तो प्लस के 49 प्लस के 49 प्लस के 49 तो प्लस के 49 माइनस 169 इक्वल टू 0, तो 2x स्क्वायर प्लस 14x और माइनस के क्या है 120 इक्वल टू 0। अब यहां से हम क्या लेंगे कि 2x 2 कॉमन तो अंदर रहेगा, x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0, तो x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। अब इसको कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ, तो a की क्या वैल्यू आई 1, b की आई 7 और c की आई माइनस 60, तो यहां से d की वैल्यू आएगी b स्क्वायर माइनस 4ac, b कितना है 7 का स्क्वायर माइनस 4, ए कितना है 1, सी कितना है माइनस 60, तो डी की वैल्यू आई 49 7 का स्क्वायर और 4 60 इंटू 4 माइनस माइनस प्लस 240, तो डी की वैल्यू आई 289। डी इज ग्रेटर देन 0 इसका मतलब है टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स पॉसिबल है, डिस्टिंक्ट का मतलब है अलग अलग, तो टू डिस्टिंक्ट रियल रूट पॉसिबल, तो पहले क्वेश्चन का तो आंसर आ गया, इज इट पॉसिबल टू डू सो, यस इट्स पॉसिबल। अब इसके रूट्स क्या आएंगे तो उम्मीद है कि आपने देख लिया होगा, तो इसको रब कर दे, तो डी क्या है d की वैल्यू आई 0 से ज्यादा, तो इसका मतलब है टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स पॉसिबल, तो x का क्या फार्मूला है, माय x इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, माइनस b, b की क्या वैल्यू है 7, तो माइनस 7 प्लस माइनस, और b स्क्वायर माइनस 4ac क्या वैल्यू आई थी 289 और a क्या है 1, तो x की दो वैल्यू आई प्लस माइनस 289 का स्क्वायर क्या आएगा, हाँ स्क्वायर रूट 70 अपॉन 2, इसका मतलब x की दो कौन सी वैल्यू आई x माइनस 7 माइनस 17 अपॉन 2 और माइनस 7 प्लस 17 अपॉन 2, ये वैल्यू आई है x की माइनस 24 अपॉन 2 यानी x की एक वैल्यू आई माइनस 12 और यही 10 अपॉन 2 यानी 5, तो एक x की वैल्यू आई माइनस 12 और एक वैल्यू आई 5। अब x हमने क्या माना था bp, कि हमें ये bp डिस्टेंस फाइंड करनी थी कि दोनों पोल दोनों गेट से पोल की क्या डिस्टेंस है, डिस्टेंस नेगेटिव में नहीं हो सकती तो डिस्टेंस क्या आएगी पॉजिटिव में, और पॉजिटिव में कितनी वैल्यू है 5, तो डिस्टेंस कितनी आई 5 मीटर। तो ये था एग्जांपल नंबर 8, अब देखते हैं एक्सरसाइज 4.3 का लास्ट एग्जांपल और इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 9। एग्जांपल नंबर 9 में क्या है कि फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन 3x square minus 2x plus 1 by 3 equal to 0,
तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, तो सबसे पहले तो हमें इसका डिस्क्रिमिनेंट यानी डी की वैल्यू फाइंड करनी है, और डी की वैल्यू फाइंड करने के बाद हमें उसका नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करना है कि वो डिपेंड करेगा डी की वैल्यू पर, और हमें फाइंड करना है कि वो रियल है या नहीं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, 3x² - 2x + 1/3 = 0। अब इसको कंपेयर करें स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, ax² + bx + c = 0। तो यहां से a की क्या वैल्यू आई, 3, b की वैल्यू आई -2, a की वैल्यू 3, b की वैल्यू आई -2, और c की वैल्यू आई 1/3, और d का क्या फार्मूला होता, b² - 4ac। b की कितनी वैल्यू, -2 का स्क्वायर, -4, a की 3 और c की 1/3, 3 से 3 कट गया, -2 का स्क्वायर आया 4, और यहाँ क्या बचा -4, तो d की क्या वैल्यू आई, 0। अब इंटरनल, अब आपने नेचर, अब d की वैल्यू 0 है तो इसका क्या मतलब है कि इक्वल रूट्स, टू इक्वल रूट्स पॉसिबल। और b की वैल्यू 0 है तो x का क्या फार्मूला होगा, -b + √b² - 4ac / 2a। तो x की क्या वैल्यू है, -b की क्या वैल्यू है -2, प्लस माइनस b की क्या वैल्यू आई थी 0 / 2a की क्या वैल्यू है 3। तो x की क्या वैल्यू आई, a की क्या वैल्यू है 3, b की वैल्यू है -2 और c की वैल्यू है 1/3, तो d की क्या वैल्यू आई थी 0। तो x इक्वल टू -b, -b का मतलब है -2, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस के 2, ये तो 0 आ गया, 2 / c की क्या वैल्यू थी 1/2a, a की क्या वैल्यू थी 3, तो 2/6, तो 2 1 2 और 2 3 6, तो 2 इक्वल रूट्स आए हैं, और इक्वल रूट्स का मतलब है दोनों वैल्यूज सेम रहेंगी। तो वो वैल्यूज कौन कौन सी हैं, x की क्या वैल्यू है 1/3 और 1/3, तो इसका d की वैल्यू आई 0, नेचर ऑफ रूट्स क्या है, इक्वल रूट्स पॉसिबल, और रूट्स कौन से हैं 1/3 और 1/3। आज की क्लास 10th की मैथमेटिक्स की क्लास में हम करेंगे एक्सरसाइज 4.3। इससे पहले की क्लासेस में हम एक्सरसाइज 4.3 के एग्जांपल्स तक कंप्लीट कर चुके हैं, और अगर आपने ये क्लासेस अभी तक नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप इन क्लासेस को देख सकते हैं। हमने चैप्टर 1 से लेकर एक्सरसाइज 4.3 के एग्जांपल्स तक सारा कुछ कंप्लीट किया है, आप उन क्लासेस में देख सकते हैं। तो अब अपनी आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1, इसमें क्या है, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कि जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, पहले तो हमें इनका नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करना है कि ये डिस्टिंक्ट रूट हैं या इक्वल रूट हैं या नो रियल रूट है। नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करने के बाद हमें ये देखना है कि अगर रियल रूट्स एग्जिस्ट करते हैं तो हमें उन रूट्स को भी फाइंड करना है। तो इसके 3 पार्ट है, तो इसका फर्स्ट पार्ट है, और इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है कि 2x² - 3x² - 3x + 5 = 0। तो सबसे पहले तो आप कंपेयर करें ax² + bx + c = 0 स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। तो यहाँ से a की क्या वैल्यू है 2, b की क्या वैल्यू है -3, और c की क्या वैल्यू है 5। तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना है, नेचर ऑफ द रूट्स फाइंड करने के लिए डिस्क्रिमिनेंट यानी d, और d का फार्मूला क्या होता है b² - 4ac। अब b क्या है 2 2 का स्क्वायर -4 * a, b है -3, तो -3 का स्क्वायर, और -4ac, a क्या है 2 * c,
थ्री क्या है फाइव। अब माइनस थ्री का स्क्वायर यानी नाइन, माइनस फोर टू जा एट, एट फोर जा एट फाइव जा फिफ्टीन, तो डी की क्या वैल्यू आई माइनस थर्टी वन। सो डी इज लेस देन जीरो, तो क्या आएगा नो रियल रूट्स पॉसिबल या एग्जिस्ट, कोई रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं करते क्योंकि नेचर ऑफ रूट्स क्या है यानी डी की वैल्यू क्या है जीरो से कम है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, तो सबसे पहले तो हम स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, तो ए की क्या वैल्यू है थ्री और बी की क्या वैल्यू है माइनस फोर रूट थ्री और सी की क्या वैल्यू है फोर। तो नेचर ऑफ द रूट फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे डी की वैल्यू फाइंड करेंगे यानी डिस्क्रिमिनेंट की, उसका फार्मूला क्या होता है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, तो बी की क्या वैल्यू है माइनस फोर रूट थ्री का स्क्वायर माइनस फोर ए यानी थ्री और सी फोर, तो माइनस फोर का स्क्वायर सिक्सटीन रूट थ्री का थ्री, माइनस फोर फोर जा सिक्सटीन, सिक्सटीन थ्री जा फोर्टी एट, तो डी की क्या वैल्यू आई फोर्टी एट माइनस फोर्टी एट यानी डी की वैल्यू आई जीरो। जीरो आई तो इसका मतलब है टू इक्वल रियल रूट्स पॉसिबल, कि डी की वैल्यू जीरो आई है तो दो टू इक्वल रियल रूट्स पॉसिबल यानी दो वैल्यू आएंगी जो दोनों इक्वल होंगे। तो जब डी की वैल्यू जीरो से ज़्यादा आती है तो कौन सा फार्मूला यूज होता है एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए, बी की क्या वैल्यू है माइनस फोर रूट थ्री यानी माइनस फोर रूट थ्री, और प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी यानी डी की क्या वैल्यू आई थी जीरो अपॉन टू ए की क्या वैल्यू है थ्री, तो एच की क्या वैल्यू आई फोर रूट थ्री अपॉन सिक्स। अब ये दो वैल्यू आएंगी कि एक तो प्लस जीरो के साथ और एक माइनस जीरो के साथ, तो ये दोनों वैल्यू सेम आएंगी तो ये टू टू जा फोर टू थ्री जा सिक्स, तो एक्स की क्या वैल्यू आएंगी टू रूट थ्री अपॉन थ्री और दूसरी वैल्यू टू रूट थ्री अपॉन थ्री, इक्वल रूट है इक्वल रियल रूट्स हैं तो दोनों वैल्यू सेम आए। अब देखते हैं इसका थर्ड पार्ट, टू एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस थ्री इक्वल टू जीरो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करेंगे, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, ए की क्या वैल्यू आई टू, बी की क्या वैल्यू आई माइनस सिक्स और सी की क्या वैल्यू आई थ्री। अब सबसे पहले हम फाइंड करेंगे डिस्क्रिमिनेंट यानी डी, तो डी की क्या वैल्यू बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, अब बी की क्या वैल्यू है माइनस सिक्स का स्क्वायर माइनस फोर इंटू ए यानी टू इंटू सी यानी थ्री, तो माइनस सिक्स का स्क्वायर माइनस थर्टी सिक्स माइनस फोर टू जा एट, एट थ्री जा ट्वेंटी फोर, फोर टू जा एट, एट थ्री जा ट्वेंटी फोर, तो डी की क्या वैल्यू आई बारह ट्वेल्व, तो D क्या है D इज ग्रेटर देन जीरो। अब D ग्रेटर देन जीरो है तो नेचर ऑफ रूट्स क्या आया टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स पॉसिबल, डिस्टिंक्ट का मतलब है कि डिफरेंट, कि दो डिफरेंट रियल रूट्स पॉसिबल हैं। अब उसको निकालने के लिए फार्मूला क्या है कि x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए, एक्स की क्या वैल्यू अब माइनस बी की क्या वैल्यू है बी की क्या वैल्यू है माइनस सिक्स, तो माइनस सिक्स प्लस माइनस डी की यानी बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी क्या वैल्यू आई है ट्वेल्व, तो अंडर रूट ट्वेल्व और ए की कितनी वैल्यू है टू, तो टू इंटू टू यानी माइनस माइनस प्लस सिक्स प्लस माइनस ट्वेल्व का हम लिख सकते हैं टू रूट थ्री अपॉन फोर, तो एक्स की एक वैल्यू आई सिक्स प्लस
टू रूट थ्री अपॉन फोर और दो से वैल्यू आई सिक्स माइनस टू रूट थ्री अपॉन फोर। अब टू कॉमन ले लेंगे तो थ्री प्लस थ्री रूट थ्री प्लस रूट थ्री अपॉन फोर सेम इसी तरह यहाँ टू कॉमन थ्री माइनस रूट थ्री अपॉन फोर टू टू जा फोर टू टू जा फोर। तो एक्स की क्या वैल्यू है थ्री प्लस रूट थ्री अपॉन टू और दूसरी वैल्यू थ्री माइनस रूट थ्री अपॉन टू। तो दोनों वैल्यू क्या है डिस्टिंक्ट वैल्यू है डिफरेंट वैल्यू। तो ये था एक्सरसाइज 4.3 का फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या था कि हमें नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करना है। नेचर ऑफ रूट जो भी आता है उसके आधार पर अगर रूट्स एग्जिस्ट करने हैं तो हमें वो रूट्स फाइंड करने हैं। अब देखते हैं एक्सरसाइज 4.3 का सेकंड क्वेश्चन। एक्सरसाइज 4.3 का सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन में क्या है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ के फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस सो दैट दे हैव टू इक्वल रियल रूट्स। इक्वल रियल रूट्स का क्या मतलब है कि d की वैल्यू आएगी 0 के इक्वल। तो इसका फर्स्ट पार्ट है 2x² प्लस kx प्लस 3 इक्वल टू 0। तो कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ तो ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो a की क्या वैल्यू आई 2, b की क्या वैल्यू आई k और c की 3। अब d हमें सबसे पहले इसमें निकालना होता है, उसका फार्मूला होता है b² माइनस 4ac। अब d ऑलरेडी पहले ही 0 दिया हुआ है तो b की क्या वैल्यू है k² क्योंकि b की वैल्यू है k और b का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा k² माइनस 4ac। a की क्या वैल्यू है 2 इंटू सी 3। तो 0 इक्वल टू क्या है k² माइनस 4 टू जा 8 8 3 जा 24। तो k² माइनस 24 इक्वल टू 0 यानी k की वैल्यू आई प्लस माइनस अंडर रूट 24 यानी अंडर रूट 24 को हम लिख सकते हैं 2√6 प्लस माइनस k। a की वैल्यू आई प्लस माइनस 2 अंडर रूट 6। सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट तो इसमें क्या है कि d ऑलरेडी पहले दिया हुआ है 0 और क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है kx x माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0। तो सबसे पहले तो इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो kx² माइनस 2kx प्लस 6 इक्वल टू 0। अब इसको कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। a की क्या वैल्यू है k, b की वैल्यू है 2k और c की वैल्यू है 6। d ऑलरेडी दिया हुआ है 0, d का फार्मूला क्या होता है b² माइनस 4ac इक्वल टू क्या दिया हुआ 0। अब b² यानी 2k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए के और c क्या है 6 इक्वल टू 0। 2k का स्क्वायर 4k² माइनस 24k इक्वल टू 0 यानी 4k² इक्वल टू 24k। जैसे एक k कट गया तो 4k इक्वल क्या आया 24 यानी k की वैल्यू आई 24 अपॉन 4 यानी k की क्या वैल्यू आई 4 6 या 24 k की क्या वैल्यू आई 6। तो ये था एक्सरसाइज 4.3 का सेकंड क्वेश्चन। इसमें क्या था इसका बेसिक सा कॉन्सेप्ट ये था कि हमें पहले ही दिया हुआ है कि दो यानी जो नेचर ऑफ रूट्स है वो क्या है इक्वल रूट्स है और इक्वल रूट्स का मतलब है d इक्वल टू 0 यानी डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0। तो हमें सिंपल k की वैल्यू निकालनी थी जो ये दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है। अब देखते हैं एक्सरसाइज 4.2 का थर्ड क्वेश्चन। एक्सरसाइज 4.3 का थर्ड क्वेश्चन इसमें क्या है कि इज इट पॉसिबल टू डिजाइन रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप व्होज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ कि
कि क्या एक रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप बनाना पॉसिबल है अगर उसकी लेंथ उसके ब्रेड की ट्वाइस हो और एरिया कितना हो 800 मीटर स्क्वायर। तो हमें अगर पॉसिबल है तो हमें क्या फाइंड करना है उसके लेंथ एंड ब्रेड। तो सिंपल, अगर नेचर ऑफ रूट्स अगर डी की वैल्यू जीरो से कम नहीं आएगी, डी की वैल्यू जीरो से ज़्यादा आएगी तो ये पॉसिबल है, और जीरो से कम आएगी तो ये पॉसिबल नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या, तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि हमें लेट ब्रेड्थ भी, ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप भी एक्स मीटर, देन लेंथ भी, अगर ब्रेड्थ एक्स है तो लेंथ कितनी होगी 2x, क्योंकि दिया हुआ पहले कि लेंथ ब्रेड्थ की ट्वाइस है, और एरिया, एरिया क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर कोई भी हो मैंगो ग्रुप या कुछ भी हो तो उसका एरिया क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो यहाँ और एरिया कितना दिया हुआ 800, तो लेंथ कितनी है 2x और ब्रेड्थ x, तो 800 इक्वल टू 2x स्क्वायर, 2 से 800 कट गया तो x स्क्वायर इक्वल टू आया 400, तो इक्वल टू आया अंडर रूट 400। तो x की वैल्यू आई प्लस माइनस के 20 की, 400 का स्क्वायर रूट करेंगे तो क्या आएगा 20। अब x इक्वल टू 20 और x इक्वल टू माइनस 20 इसको हम कर देंगे नेगलेक्ट, क्योंकि x हमने क्या माना है ब्रेड्थ, और ब्रेड्थ हो या लेंथ हो कभी भी नेगेटिव में नहीं होगी। तो ब्रेड्थ क्या होगी 20 मीटर, तो और लेंथ क्या होगी 2 × x यानी 2 × 20 40 मीटर। तो सबसे पहले तो आपको ये लिखना है यस इट्स, इट इज पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप हुज लेंथ इज 2x its breadth। तो क्या है कि लेंथ ब्रेड्थ कितनी आई 20 मीटर, ब्रेड्थ 40 मीटर। आप चाहें तो वेरीफाई कर सकते हैं लेंथ इंटू ब्रेड्थ, एरिया 20 × 40 800। एक्सरसाइज 4.3 का थर्ड क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन था कि हमें सिर्फ स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग करना है, कि स्टेटमेंट क्या दी हुई है कि रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप है जिसकी क्या है कि लेंथ जो है ब्रेड्थ के ट्वाइस है और एरिया क्या है 800 मीटर। अब रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ, तो वहां से सिंपल ब्रेड्थ की वैल्यू आ जाएगी और फिर वहां से लेंथ की वैल्यू आ जाएगी। नेगेटिव वैल्यू हम नेगलेक्ट कर देंगे क्योंकि लेंथ हो या ब्रेड्थ हो वो कभी भी नेगेटिव में नहीं होती। अब देखते हैं एक्सरसाइज 4.3 का फोर्थ क्वेश्चन। एक्सरसाइज 4.3 का फोर्थ क्वेश्चन, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, इफ सो डिटरमाइन देयर परसेंटेजेस, कि क्या ये सिचुएशन पॉसिबल है, और पॉसिबल है तो हमें उनकी एज फाइंड करनी है, परसेंटेज फाइंड करनी है। तो सिंपल ये है कि अगर डी की वैल्यू जीरो से ज़्यादा आएगी तो ये सिचुएशन पॉसिबल है, और नहीं आएगी तो सिचुएशन पॉसिबल नहीं है। और कंडीशन क्या है, द सम ऑफ एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 ईयर्स, कि अभी जो अब दो फ्रेंड्स की सम ऑफ एजेस कितना है 20 ईयर्स, कि दोनों की एज को अगर हम ऐड करेंगे तो क्या आएगा 20 ईयर्स की। अगर मान लीजिए एक 10 ईयर्स का तो दूसरा भी 10 ईयर्स का है, एक अगर 12 ईयर्स का तो दूसरे वाला 8 ईयर्स का है, क्योंकि दोनों की एजेस का सम कितना आना चाहिए 20 ईयर्स। और 4 ईयर्स अगो प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस वाज 48 ईयर्स, और 4 ईयर्स अगो यानी 4 साल पहले दोनों की एजेस का प्रोडक्ट कितना था 48 ईयर्स। तो हम मान लेते हैं कि लेट एज ऑफ वन फ्रेंड बी एक्स ईयर्स,
देन एज ऑफ सेकंड फ्रेंड, देन सेकंड फ्रेंड, जब एक फ्रेंड की एज हमने एक्स ईयर्स मानी है तो सेकंड वाले की एज कितनी होगी, दोनों की एज का सम कितना था 20 ईयर्स, तो सेकंड वाले की कितनी होगी 20 माइनस एक्स ईयर्स, और 4 ईयर्स है वो एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड, एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड भी क्या होगी, अब है x और 4 साल पहले कितनी थी होगी x माइनस 4 ईयर्स, एंड देन एज ऑफ सेकंड फ्रेंड भी ट्वेंटी माइनस एक्स माइनस फोर यानी 16 माइनस एक्स ईयर्स, और दोनों का प्रोडक्ट कितना था x माइनस फोर और 16 माइनस एक्स कितना था 48 ईयर्स। अब सिंपल इसको ओपन करते हैं तो 16 इंटू एक्स 16 एक्स 16 माइनस फोर माइनस 64 माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस यानी 4x इक्वल टू 48। तो 16 और प्लस 4x 20x, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 64 और माइनस 48 इक्वल टू 0। 48 इस साइड लेंगे, उस साइड प्लस का था तो इस साइड होगा नेगेटिव का, तो इसमें से ये क्या है माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 112, 64 में 48 ऐड करेंगे तो क्या आएगा 112। इसमें से चाहे तो माइनस कॉमन ले सकते हैं, तो अंदर क्या रह जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 20x और प्लस के 112 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 इक्वल टू 0। इसको कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, तो ए की क्या वैल्यू आएगी 1 और बी की वैल्यू माइनस 20 और सी की वैल्यू 112, डी की वैल्यू क्या है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब बी की क्या वैल्यू है माइनस 20 का स्क्वायर माइनस 4, ए की क्या वैल्यू है 1 और सी की क्या वैल्यू 112, तो माइनस 20 का स्क्वायर क्या आएगा 400, 400 माइनस 4 इंटू 112 ये आएगा 448, यानी डी की क्या वैल्यू आएगी माइनस 48, तो डी इज लेस देन 0, तो नो रियल रूट्स पॉसिबल, कि डी की वैल्यू नेचर ऑफ रूट्स क्या आया कि डी की वैल्यू 0 से कम है, तो ये क्या है कि कोई रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं। अब रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं करते तो हमारा आंसर क्या है, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, नो इट्स नॉट पॉसिबल, और जब पॉसिबल ही नहीं है तो रूट है ही नहीं, तो रूट फाइंड नहीं करने। अब तो ये था एक्सरसाइज 4.3 का फोर्थ क्वेश्चन, तो सिंपल इसमें क्या है कि पहले हमें ये बताना था कि ये सिचुएशन पॉसिबल है या नहीं, और वो किस पर डिपेंड करती है नेचर ऑफ रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स यानी डी की क्या वैल्यू आई लेस देन 0, तो नो रियल रूट्स पॉसिबल, तो ये सिचुएशन पॉसिबल ही नहीं है। अब देखते हैं एक्सरसाइज 4.3 का और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन। एक्सरसाइज 4.3 का फिफ्थ क्वेश्चन, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर, कि रेक्टेंगुलर पार्क है और उसका पेरीमीटर कितना है 80 मीटर और एरिया कितना है 400 मीटर, इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं लेट लेंथ बी x मीटर एंड ब्रेथ बी, लेट ब्रेथ बी y मीटर। अब पेरीमीटर कितना है, पेरीमीटर है 80 मीटर और रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है
ब्रैकेट के बाद टू एक्स प्लस वाई। एक्स प्लस वाई का मतलब है लेंथ पर, यानी फार्मूला क्या होगा, टू लेंथ प्लस ब्रेथ। लेंथ क्या मानिए एक्स, ब्रेथ क्या मानिए वाई, वो कितना है 80। तो 2 से 80 कट गया 40 पर, तो x प्लस वाई क्या आया 40, तो यहाँ से x की वैल्यू आई 40 माइनस वाई। ये इक्वेशन नंबर 1 कि x की क्या वैल्यू आई 40 माइनस वाई। अब सेकंड एरिया कितना है 400 मीटर, और रेक्टेंगुलर 400 मीटर स्क्वायर, 100 मीटर स्क्वायर, और रेक्टेंगल के एरिया का क्या फार्मूला होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ 400। लेंथ क्या है एक्स, ब्रेथ क्या है वाई, तो एक्स वाई इनटू 400। एक्स की वैल्यू क्या है 40 माइनस वाई फ्रॉम इक्वेशन 1 इनटू वाई इक्वल टू 400। तो यहां से ओपन करेंगे ब्रैकेट 40 वाई माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 400। तो क्या है ये इक्वेशन, माइनस वाई स्क्वायर प्लस 40 वाई इक्वल टू 400। 400 को इस साइड ले आएंगे तो माइनस वाई स्क्वायर प्लस 40 वाई माइनस 400 इक्वल टू 0। अब इसमें से हम माइनस कॉमन लेंगे तो क्या रह जाएगा अंदर, वाई स्क्वायर माइनस 40 वाई प्लस 400 इक्वल टू 0। तो y स्क्वायर माइनस 40y प्लस 400 इक्वल टू 0। अब इसको हम कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। a की क्या वैल्यू आई 1, b की माइनस 40 और c की 400। यहां से d की वैल्यू निकालेंगे, अगर d 0 से ज्यादा आएगा या 0 आएगा तो ये सिचुएशन पॉसिबल है, नहीं तो नहीं। तो माइनस बी स्क्वायर, डी का क्या फार्मूला, बी स्क्वायर माइनस 4ac, और बी की क्या वैल्यू है माइनस 40 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए 1, और सी क्या है 400। माइनस 40 का स्क्वायर क्या आएगा 1600, माइनस 4 जा 16 और डबल 0 यानी 1600। डी की क्या वैल्यू आई 0, डी की वैल्यू 0 आई तो उसका मतलब है 2 इक्वल रियल रूट्स पॉसिबल, कि डी की वैल्यू 0 आई तो पहले इस कंडीशन का क्या आंसर आया, यस इट इज पॉसिबल टू डिजाइन रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया 400। तो सबसे पहले तो हम इसके रूट फाइंड कर लेते हैं पहले, तो एक्स का क्या फार्मूला आएगा, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। बी की क्या वैल्यू है माइनस 40, यानी माइनस 40 प्लस माइनस 0 अपॉन 2a ए 1, यानी एक्स की क्या वैल्यू आई 40 अपॉन 2, यानी एक्स की वैल्यू आई 20। वाई इक्वल टू क्या होगा, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर, y इक्वल टू क्या होगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब माइनस बी क्या है, यानी माइनस 40, बी की क्या वैल्यू माइनस 40, तो प्लस माइनस 40, और d की क्या वैल्यू है 0, तो 40 अपॉन 2 20, तो y की क्या वैल्यू है 20। y क्या माना था ब्रेड्थ, तो ब्रेड्थ की कितनी वैल्यू आई 20 मीटर, और लेंथ क्या है x इक्वल टू 40 माइनस 40 माइनस 20, ये भी क्या आएगा 20 मीटर। और क्या आंसर आएगा, यस इट इज पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरिमीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर, और लेंथ क्या है 20 मीटर और ब्रेथ भी 20 मीटर। आप चाहें तो वेरीफाई भी कर सकते हैं,
लेंथ इनटू ब्रेथ इन 20 इनटू 20 400। ये था एक्स स्क्वायर 4.3 का फिफ्थ क्वेश्चन। सिंपल इसमें कॉन्सेप्ट क्या था कि आपको पहले तो डी की वैल्यू निकालनी है स्टेटमेंट के बेस पर। अब डी क्या है, डी अगर जीरो से ज़्यादा आएगा तो ही पॉसिबल है, नहीं तो कोई भी सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर ये एक्सरसाइज 4.3 और साथ ही साथ ये चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंप्लीट हो जाता है। उम्मीद है कि ये क्लास आपकी समझ आई होगी, और अगर ये क्लास आपकी समझ नहीं आई है या कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। और आपको इस क्लास को देखना है, चाहे ये क्लास हो या मैथमेटिक्स की कोई और भी क्लास हो, तो पहले एक दो बार देखें, उसको ढंग से समझें और उसके बाद उसको ट्राई ज़रूर करें। क्योंकि अगर आप मैथमेटिक्स के किसी भी क्वेश्चन को ट्राई नहीं करेंगे तो आपके समझ में बिल्कुल भी नहीं आएगा। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, जहाँ पर हम चैप्टर 5 अर्थमेट्रिक प्रोग्रेशन स्टार्ट करें।